नमस्ते. टेक्निकल जे खाली रहो आहे पप्पू कालानी बर्थडे स्पेशल लाइव स्ट्रीम शो मंच टीवी जे पारा मां तव्हां खां पुछण तो चाहियां त तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे मुंहिंजो आवाज़ अची रहियो आहे. टेक्निकल जे खाली रहियो आहे, बसि ॿिनि मिंटनि में असां ही कार्यक्रम शुरू कंदासीं. मुंहिंजी टेक्निकल टीम, असांजी मंच टीवी जी टेक्निकल टीम असां सां गॾु आहे. मां उन्हनि खां बि पुछण थो चाहियां, इज इट ऑल फाइन? त मंच टीवी जे हिन ख़ासि कार्यक्रम में, मंच टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करते हैं. हमारे गेस्ट जो हैं वो आज हमारे साथ इस शो में होंगे और अपनी शुभकामनाएं आज इस विशेष एपिसोड में, जबकि उल्हासनगर के कार्य सम्राट पप्पू कालानी जी का आज जन्मदिन है. मां तव्हांखे ॿुधायां के लाइव ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते असांखे सभु ॾिसी रहिया आहिनि ऐं केतिरा ई गेस्ट असां सां गॾु आहिनि जेके पप्पू कालाणीअ जे जनम ॾींहं जे मौके ते अॼु शुभकामनाऊं भी ॾियण जे लाइ बिल्कुलु आहिनि. ऐं उन्हनि जो जेको एक्सपीरियंस आहे, उन्हनि जो जेको अनुभव आहे, उहो पप्पू कालाणी जिन सां उन्हनि जो कीअं रहियो, उन जे बारे में उन्हनि जा पंहिंजा वीचार, उन्हनि जी पंहिंजी राय, उन्हनि जो जेको जर्नी आहे उन्हनि जी पप्पू कालाणी सां कीअं रही, इन जे बारे में जेको आहे. ओके, साउंड परफेक्ट जेको आहे, मैसेज अची रहियो आहे. सो साउंड बिल्कुलु वञी रहियो आहे एंड टीम बिल्कुलु, टेक्निकल टीम तयारु आहे. त अचो सभिनी खां पहिरीं मां गेस्ट खे इनवाइट थो कयां, छो त ऑन टाइम जेके बिल्कुलु वक़्त जा पाबंद आहिनि उहे गेस्ट असांजे बैक स्टेज ते बिल्कुलु अची विया आहिनि. ऐं जेको आहे स्ट्रीम ते जयश्री मैडम आहे, उहा उन्हनि सभिनी खे आणींदी जीअं जीअं असां जेको आहे जिन जिन गेस्ट खे आमंत्रित कंदासीं मंच ते. उहे अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां 10 सेप्टेम्बर उल्हासनगर जे कार्य सम्राट, जंहिंखे उन्हनि जा साथी या शहर जा घणो घुरिया, जेके उन्हनि जा फॉलोअर्स आहिनि, उन्हनि जा आशिक आहिनि, ईअं खणी चइजे, उनखे साहिब बि चवंदा आहिनि, पप्पू कालाणी. पप्पू कालाणी जो अॼु जनमॾींहुं आहे. इन मौके ते असांजे उल्हासनगर जो माजी महापौर, एक्स मेयर हरदास माखीजा असां सां गॾु आहे. हरदास माखीजा जिन जी जेका पप्पू कालाणीअ सां या कालाणी परिवार सां, उन्हनि जे वॾनि सां जेको सफ़र रहियो आहे, उहो सॼे शहर खे ख़बर आहे. ऐं बिल्कुलु 12 बजे जो समय हो हिन कार्यक्रम जे शुरू थियण जो. ऐं टेक्निकल कंसर्न में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त लाइव स्ट्रीम शोज़ में नेटवर्क इशूज़ आहिनि, इहो सभु हूंदो आहे. ऐं टेक्निकल चेक करे असांखे शो ते अचिणो पवंदो आहे. त उहे बिल्कुलु समय ते अची विया आहिनि. त मां टेक्निकल टीम खे, स्ट्रीम खे चवंदुसि के हरदास माखीजा जिन खे ऑन स्क्रीन आणनि प्लीज. नमस्ते वाटवाणी. नमस्ते. नमस्ते सर. नमस्ते, कीअं आहियो? फाइन फाइन, हाउ आर यू सर? हिन कोरोना काल में तव्हांखे ॾिसी हिकदमि फाइन आहिनि, हिकदमि डायनामिक ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थी सर. यार, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई ड्रीम ऑफ यू नो यंग बॉयज फॉलोइंग यू एंड यू नो अचीविंग ऑल दोस थिंग्स इन लाइफ व्हिच यू हैव अचीव्ड. And you are still, thank you sir. You will further go in life, you know, to the top. Thank you sir. Thank you. And Ullasnagar je har youth ke sir, samaj je sabni suthan parivaran ke jin samaj lai kayo a, tava hamesha unan ke appreciate kayo a and unan ke shubhkamnao dinu tava. And sachmuch tava ja jeke prerna ja shabd hain sir, unan je lai hamesha unan ji motivation banjandi ahe. Au inhi daur mein sir, ek bi shakhsiyat Pappu Kalani jin jo aj janam din ahe. ही लाइव स्ट्रीम शो अॼु स्पेशली उन्हनि जे लाइ अरेंज कयो वियो आहे. ऐं बिल्कुलु ख़ुशनसीबी जी ॻाल्हि आहे कि पप्पू कालाणी जिन जे लाइ ॻाल्हाइण लाइ हीउ जेको शो अरेंज कयो वियो आहे, उन सभ खां पहिरीं जेको उन्हनि जे ज़िंदगीअ ते उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहे, उहो आहे हरदास माखीजा साहब पाण, जिन मां सम्झा थो पप्पू कालाणी जिन जे वॾनि सां बि काफ़ी निभायो. ऐं पप्पू कालाणी जिन जी जेका मतिलबु नंढे हूंदे खां चइजे, उनजी जवानीअ खां चइजे, वेंदे अॼु ताईं उनजी ज़िंदगीअ जे हर पहलूअ जी तव्हांखे ख़बर आहे सर. छा चवंदा उन्हनि जे बारे में, कीअं शुभकामनाऊं ॾींदा सभ खां पहिरीं? यार, अॼु पप्पू कालाणीअ जो जनमदिन आहे. उनजे जनमदिन ते मां हिकिड़ो
झूनो शहर थो चवण चाहियां, जो कंहिं ज़माने में नंढे हूंदे मां फिल्म्स ॾिसण वेंदो हुउसि, शायदि महबूब ख़ान जी हुयूं या कंहिंजी हुयूं, त फिल्म स्टार्ट थियण खां अॻु में पहिरीं उहो शहर उहो स्क्रीन ते आणींदो हो। त शहर आहे त फानूस बन के जिसकी हवा हिफाज़त करे, फानूस बन के जिसकी हवा हिफाज़त करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। पप्पू वा शमा है जंहिंखे खुदा रोशन पाण थो करणु चाहे, त मुंहिंजो पप्पू कलाणी जे राइवल्स खे इहो चवण आहे सलाह, एज़ अ ब्रदर एज़ अ फ्रेंड आई एडवाइज देम, त इहे हाणे एनिमिटीज़ ऐं षड्यंत्र इहे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं इहे छॾे करे हिकु थी वञो पाण में, खीर खंडु थी वञो, एंड लेट अस बिल्ड दिस सिटी। सर क्या बात है, जबरदस्त शेर से तुम शुरुआत कही है, मुझी भी दिल थी थे कि मैं यो शेर रिपीट किया बिल्कुल। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। क्या बात है सर, क्या बात है। सर राइवल सी गाल, हाँ जी सर, पप्पू हुआ शमा है जैसे खुदा पान रोशन करण तो चाहे, इन करे हेडी तकलीफुन खां पो भी अज बीठो आ मुड़स वांगुर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब सचपच जेको मुड़स मानू चाहिजे ना सर, एडियन तकलीफुन खां पो है जेको आहे, मां त इएं चवंदो आहियां सर, शहर बि ॾिठो आहे के पप्पू कालानीअ पंहिंजे जीवन में हेतिरी उन्हनि जी जेका समझो इंडिविजुअल हेतिरी सुठी पर्सनैलिटी, एतिरो सुठो परिवार, एतिरो सुठो बिज़नेस। मां सम्झा थो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू त शहर जे लाइ, समाज जे लाइ हुननि घणो कुझु पाण कुर्बान करे छॾियो आहे सर। जी जी जी, तव्हांजो सफ़र, तव्हांजो मतिलबु नंढपिण खां उन्हनि जे बारे में, उन्हनि जे जनम जे बारे में, उन्हनि जी शुरूआति पॉलिटिक्स में, अॼु मतिलबु असांखे ओतिरी ॼाण न हूंदी जेतिरी तव्हांखे आहे। ऐं लाइव त दुनिया भर में फेसबुक ऐं यूट्यूब ते ॾिसंदा आहिनि, पप्पू कालाणी जा शायक सॼी दुनिया में आहिनि अॼु, ऐं सर इहे लिंक हाणे लाइव त ॾिसंदा ई ॾिसंदा ऐं पोइ रिकॉर्ड ते बि रहंदी। त मां चाहियां थो हरदास माखीजा जी थोरो उन्हनि जे मतिलबु जनम खां वेंदे अॼु ताईं उन्हनि जी जर्नी कीअं रही आहे, कुझु ख़ासि किसा हुजनि सर, उन्हनि ते रोशनी विझंदो। हाणे पप्पू कालाणी जे जनम जे बारे में त मूंखे ॼाण कान्हे, ऐं उन पीरियड में नाइदर आई वॉज नोइंग हिम नॉर ही वॉज नोइंग मी। ओके, पर 75 में मां सेठ परसराम कालाणी जे थोरो कॉन्टेक्ट में आयो हुउसि, कॾहिं मुंहिंजी सिस्टर जी इंगेजमेंट जी, उन इंगेजमेंट पार्टीअ ते आया हुआ, त तंहिं टाइम ते मुंहिंजो उन्हनि सां इंटरेक्शन थियो, पोइ थोरो वेझो आयासीं। 78 में आई बिकेम काउंसलर, ऐं परसराम कालाणी ही वॉज अवर ग्रुप लीडर। दिस इज़ हाउ आई केम इन टच विथ कालाणी फैमिली, ऐं 78 खां 84 ताईं उहा म्युनिसिपैलिटी हली। प्रहलाद आडवाणी साहबु असांजो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट हूंदो, डायरेक्टली इलेक्टेड बाए पीपुल, ऐं शहर में पहिरियों दफ़ो कंहिं प्लैंड वे में शहर जो कमु शुरू थियणु चालू थियो, विकास थियणु चालू थियो। ऐं तंहिंखां पोइ 86 जे अंदरि जेके इलेक्शन्स आहियूं, त हुन में परसराम कालाणी ई रिफ्यूज़ टू कॉन्टेस्ट। मां चयोमांसि साईं ईअं कीअं तव्हां खां सवाइ त पोइ असांखे केरु संभालींदो, यू वर अवर अवर ग्रुप लीडर, ऐं जेकॾहिं तव्हां ईअं पॉलिटिक्स छॾियो था, लोकल पॉलिटिक्स ते घटि में घटि नारायण खे या पप्पूअ खे कंहिंखे ॾियो, त उहे कॉन्टेस्ट कनि ऐं लेट देम लीड अस। चईं न यार, असांखे वी आर बिज़नेसमैन ऐं असांखे इंट्रस्ट आहे, ऐं उहे बि न कंदा। पर पोइ मां ॾिठो त पप्पू हैड अ इंट्रस्ट इन सिटी पॉलिटिक्स, ही वॉज अ बिग बिज़नेसमैन, सॼे महाराष्ट्र जे अंदरि हुनजो व्यवसाय जेको हुयो वाइन जो, उहो फहिलियल हो, ऐं वाइन सम्राट जे नाले सां उन्हनि जी फर्म हलंदी हुई, ऐं थ्रू आउट महाराष्ट्र ही वॉज बिज़नेसमैन नॉन फिगर हो। पर शायदि हुनजे मन में इहो ख़्यालु आयो त हाणे हेॾी शहर जी मां शेवा कई आहे, एॾी बिज़नेस जे अंदर मां तरक़ी कई आहे, हे कयो आहे, त कुझु शहर जी बि शेवा कयां, कुझु कम्यूनिटी जी शेवा कयां। ऐं हुन वीचार खां 86 जे म्युनिसिपल इलेक्शन्स में ही एंटर्ड पॉलिटिक्स,
And you will not believe, without contesting the municipal election, he was elected councillor, and then straight away he became president of the Ulasthanagar Municipal Council. And this was a first time in the history of Ulasthanagar, somebody, you know, became municipal president like that. So the municipal election mein unhon jaise ke opponent tha, unhon forms peja withdraw kya. He was the only candidate, councillor, and then unhaji jaka dashing personality hi, unhajo jaka interest ho share rakhe, thayana mein, wo disi kare, asa sab, we all, you know, decided to support this young man by who will be able to lead the city in a better manner. Apo, we made him our municipal president, and takhapo, the day he became president, un die kha wathi samjo shahar jo vikas chalu thyo. Mukhe yaad a jaini municipality of president thyo te di siru chowk te lalumal gurlan ware ji dukan hundi hotel hundi chai di ta un die te hi un di wa chai di hotel wa demolish thi yo jo ko siru chowk kha pit road wane to esa hospital le yo road ya gitti hundi un ke widen kyo lo ऐं तंहिंखां पोइ शहर जे विकास खे लॻी वियो ऐं ड्यूरिंग हिज टेन्यूअर एज प्रेसिडेंट हिन 5.5 crore जी बजेट खे हथ में खयो. म्युनिसिपैलिटी जी जेका बजेट हुई ऐं ईअं लॻे न पियो त 5.5 crore जे बजेट जे अंदरि एतिरो कम असां करे सघंदासीं. पर इट वॉज हिज फोरसाइट, जो पप्पू कालाणी जो फोरसाइट हो, उनजी दूर दृष्टि हुई. छो जो जंहिं करोड़नि जो धंधो कयो, करोड़नि जो धंधो संभालियो वई, ऐं सॼी उन हिंदुस्तान जे अंदरि वॾनि वॾनि माण्हुनि सां वेठो, इंडस्ट्रियलिस्ट सां, हिन सां, हुन सां, त हुनजी उहा सोच जेका हुई नॉर्मल माण्हूअ जे लेवल खां काफ़ी मथे हुई, यानी असांजे लेवल खां काफ़ी मथे हुनजी उहा सोच हूंदी, उहा दूरदृष्टि हुई. अचण सां हुन आक्टरा जूं जेके चोरियूं हुयूं उहे बंदि कराई. As a result of that, income jeka hai municipality ji vadhi vai wo municipality ke income vadhi to un ji budget bhi vadhan lagi. Hudko jeka government ji agency a wa ya sidko edin agencies ka un crore rupiyan ja loan varta shahar ke thain de la, and that way shahar je andar etra paisa government agencies ka vathi ayo जो शहर जे विकास करण जे लाइ कोई पैसे जी कमी न पई अचे. ऐं स्पीड जे अंदरि जेको कमु हुन कयो, मां अॼु ॾींहं ते अहिड़ो कोई न म्युनिसिपल प्रेसिडेंट ॾिठो आहे, न ई शायदि ॾिसंदुसि. यानी ॾींहं राति कमु चालू हो, ॾींहं राति. ऐं हुनजी स्टाफ जे मथां, ऑफिसर जे मथां जेको कंट्रोल हो, ऐं जेको पब्लिक जो हुनखे साथ ऐं सहकार ऐं प्यार मिलियो नी, that made the all difference. Yani unjo jo shabd jeko hundo municipality de andar, wo jo kanun hundo, the moment he spoke something by chhad kape mana thi vendo, bhale ute hardas baki jaye ghar baitho hoje phone kando bhai ye road chalu karo ya ye gali ka kaam chalu karo ya isko ye apna chief officer ek chando bhai na ke mukadam mein order de se inake inspector order de te, yani wo kam ye thi vendo ho. त अहिड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी जेका हुई गुज़िरियल उल्हासनगर जे 72-73 सालनि जे अंदरि, न मां अहिड़ो कोई पॉलिटिशियन ॾिठो आहे, न अहिड़ो कोई लीडर ॾिठो आहे जंहिंखे एतिरी फैन फॉलोइंग हुजे ऐं जंहिंखे एतिरो फोरसाइट हुजे, जंहिंखे एतिरी लगन हुजे शहर खे ठाहिण जे लाइ, शहर जे लाइ कमु करण जे लाइ एॾी लगन, एॾी फोरसाइट, any fan following. He was the only person, in a way, jekar mai chawan ta he was uncrowned king of Ulasthanagar. Yani lok sabha ke andar kings thina nain, but he was not less than a king. Although there was a democracy, lok sabha, par unme bhi ke raja ka ghat na ho, shahar jo raja sahi namune mein jekar cheje ta he was. There are no two opinions about it. बिल्कुलु नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल. मतिलबु उहो त जेका राजा जी जेका शख़्सियत थींदी आहे न, ऐं जेको उनजो मुख्य कारण हो पब्लिक जो अथाह प्यार,
ऐं पप्पू कलाणी जे कम करण जो तरीक़ो जेको तव्हां चओ था कि किथे बि वेठो हुजे ऐं उतां फोन ते कमु कराईंदो हुजे उहे मतिलबु किथे न किथे लैकिंग आहिनि उहे नज़ारा जेके आहिनि अॼु जे तव्हां ॾिसो 6 साले जे पीरियड में हुन शहर जे अंदरि सीमेंट जा रोड ठाहिया एसफॉल्ट जा रोड ठाहिया नवां नवां रोड कढाई ट्रैफिक खे डाइवर्ट करण जे लाइ ट्रैफिक खे स्ट्रीमलाइन करण जे लाइ स्ट्रीट लाइट सोडियम लाइट्स तंहिं ज़माने में सॼे शहर में हड़ाई भगवती नवाणी स्टेज ठाराई गोल मैदान जो इहो बगीचो हुनखे डेवलप कराई तंहिंखां सवाइ हेॾे असांजे टाउन हॉल जी नींव विधई जेको सॼो ठही वञे कुदरती ओचितो हुनखे तकलीफ़ अची वई त उहो कमु रहिजी वियो सम्झ ऐं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 5 नंबर में ऐं स्टेशननि ॾे उल्हास स्टेशन हुजे थर्ड स्टेशन हुजे विठलवाड़ी स्टेशन हुजे इन्हनि स्टेशननि ॾे जेके रोड्स वेंदा जितां पब्लिक वेंदी हज़ारनि में उन्हनि रोड्स खे सीमेंट जा बि ठाराई ऐं वाइडन बि कराई पंहिंजी ऑटोज या ॿी ट्रैफिक कार्स वग़ैरह उन्हनि खे अचण वञण में तकलीफ़ थिए रोड वाइडन बि कराई ऐं रोड सीमेंट जा बि ठाराई जेके अॼु ॾींहं ताईं बि बीठा आहिनि यानी एतिरो हुनखे फोरसाइट हुयो शहर खे ठाहिण जे लाइ ऐं हुनजे शइ यानी कम जी स्पीड खे ॾिसी ऐं जेको अंग्रेजी अख़बारुनि में या हिंदी अख़बारुनि में असांजी लोकल उल्हासनगर छॾे करे बम्बई जी त मां ॻाल्हि कयां उन्हनि अख़बारुनि में जेका हिनजे कम करण जी स्पीड ऐं हिनजे कम करण जी उन हिकिड़े तरीक़े खे जेको साराहियो वियो उहो ॾाढो साराहियो वियो मूंखे त यादि आहे त साउथ अफ्रीका मां हिकिड़ी तॾहिं वेझो असांजो नेल्सन मंडेला जेल मां निकितो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री थी वई त हुते बि अलॻि 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 शहरनि में म्युनिसिपैलिटी पई ठहनि म्युनिसिपल कारपोरेशन पई ठहनि त हिकिड़ी डेलीगेशन आई बॉम्बे जे अंदरि भई हाउ म्युनिसिपैलिटीज़ वर्क इन देयर यू नो सिटीज़ ऐं शहरनि खे कीअं ठाहींदा आहिनि त देवर टोल्ड यू गो टू उल्हासनगर एंड गो एंड सी दे आर भई हाउ दे आर वर्किंग एंड लर्न फ्रॉम देम दैट डेलीगेशन केम टू उल्हासनगर हिते आई पोइ पप्पू चयनि भई अरदास माखीजा इज़ देयर यू गो एंड मीट देम ही विल टेक यू अराउंड द सिटी ऐं सॼो तव्हांखे सम्झाईंदो दैट डेलीगेशन वॉज हैंडेड ओवर टू मी बाए पप्पू कालाणी आई टुक देम राउंड द सिटी ऐं सॼो हुननि खे सम्झायो कयो भई हाउ वी वर्क कीअं असां हिन शहर खे ठाहिण जी कई आहे दिस यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग दे वर वेरी हैप्पी टू यू नो सी द वर्क ऑफ उल्हासनगर दैट वे इंग्लैंड मां हिकिड़ी डॉक्टरनि जी असांजी डेलीगेशन आई जॾहिं पप्पू कलाणी थैलेसेमिया फाउंडेशन ठाहे हिते डॉक्टर्स हाउस में उनजी ओपनिंग कराई त उन थैलेसेमिया फाउंडेशन जे मुहूर्त ते इंग्लैंड मां लंडन जे डॉक्टर्स जी डेलीगेशन आई विच वॉज़ अकम्पनीड बाय बी आर चोपड़ा साहब जेको फिल्म लाइन जो फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर आहे ही ब्रॉट दैट डेलीगेशन टू उल्हासनगर तॾहिं बि ही वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑफ यू नो मी चवंदो भई एनी टाइम जूं जेके बि डेलीगेशन अचनि शहर जे अंदरि अरदास इज़ द ओनली कॉम्पिटेंट मैन हू कैन हैंडल उन डॉक्टर्स जी डेलीगेशन खे बि मूंखे ॾिनई अरदास यू सी यू टेक केयर ऑफ दिस डेलीगेशन त मां हुन डॉक्टर्स जी हुन डेलीगेशन खे हैंडल कयो लंडन मां जेके आया थैलेसेमिया जे हिन फाउंडेशन जे मुहूर्त ते उते डॉक्टर्स हाउस में बि आई एड्रेस देम ऐं उन्हनि सां गॾु लोकल डॉक्टर्स देवर देयर उल्हासनगर जा सभु जेके एम बी बी एस एम डी डॉक्टर उहे बि गॾु आहे प्लस अदर डॉक्टर देयर ते उहा एड्रेस करे उन्हनि खे डॉक्टरनि खे वठी करे बी आर चोपड़ा खे वठी वी केम टू म्युनिसिपैलिटी ऐं म्युनिसिपैलिटी में ग्राउंड फ्लोर ते हिकु ॾींहुं असां मीटिंग रखीसीं जिते सॼो स्टाफ वग़ैरह आयो देयर वी फेलिसिटेटेड दैट डेलीगेशन उन्हनि जो स्वागत कयोसीं पोइ उन्हनि खे लंच वंच कराए करे सभु यानी हिन जे कम जो प्रभाव एतिरो यानी महाराष्ट्र जे अंदरि हुनजे अंदरि एतिरो फैलिजी वियो हो जो महाराष्ट्र जे मंत्रियुनि वटि हुननि जे कॉन्स्टिट्युएंसी मां कोई माण्हू वेंदो सर उहो पप्पू कलाणी आपका मित्र है और ये हमारी तकलीफ़ है ये वो फोन कंदो हुते पप्पू मेरा आदमी आ रहा है इसका काम तो कर देना हा सर भेज दीजिए भेज दीजिए यानी एॾो मंत्रिमंडल में यानी मिनिस्टर्स खे कॉन्फिडेंस हूंदो हिन में यानी एॾो हिन जो प्रभाव 6 साल जे अंदरि एॾो नालो कमाइणु
कोई मामूली यानी मानो जे वस जी गाल ना है ही वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कुदरत उन के उए जेके यो हर के मानो में ये क्वालिटीज न हुंदी है ए कुदरत सबनी के एड़ो डाउन न दींदी आ दिसो उन के कुदरत जवानी भी दिनी जवानी सा गड ही वाज मल्टी मिलियनेयर वा उन के ताकत ही पॉलिटिकल पावर हो दिमाग उस फोरसाइट ही यरे जेके जे सिकंदर चोंदा है जवानी में हलियो सजी दुनिया फतेह करण हे समझो उल्लास नगर बे सिकंदर हो त ये सब क्वालिटीज सबनी में न हुंदी है अरदास में न थी सकदी बे में न थी सकदी टे में किन किन में थी दिया जन के कुदरत जी रहमत हुंदी आ ईश्वर जी जने मथा मेहरबानी हुंदी आ जे मां बुधायो मां ते वो शमा है जेके खुदा रोशन तो करण चाहे पाण बिल्कुल सर सही था चो सर नंढा हुंदा सी तदे मतलब शहर जो जेको विकास पप्पू कालाणी जे उन वक्त में जेको पर्टिकुलर पीरियड तव चो था कि शहर जो जदे विकास थियो त ओ सजी दुनिया में उल्लासनगर जो नालो थण लगो जण उल्लासनगर के सिंगापुर चवण रस्तन जे करे खास करे जेको रस्तन जो जेको नजारो थियो ना सर एते जगह डेवलपमेंट उन टाइम ते थी रही हुई जदे वरी हाणे समझू थी रहे हो असां अॼु जॾहिं मतलब दुनियादारी जी जदी समझ आए तो मुख्य हिकड़ी गाल बिल्कुल मन के खुटकंदी आ उन खां साड़ करण वाला घणा उन जा राइवल घणा पर उन खां प्रेरणा पाए शहर जो विकास करण वाला घणा छो न थी सकिया अजु शहर सर मतलब एड़ी हालतुन में हली रहयो आ अगर पप्पू कालाणी के तमा बेन गालिन में फॉलो ता कयो के उन नालो कयो ता असा भी कयो ओ वडो थयो ता असा भी वडा थयो उन हिय कयो ता असा भी हिय कयो त हन गाल में छो न तमा पप्पू कालाणी खां प्रेरणा पाती के शहर में असा विकास जा कम कयो उन वांगुर नालो कमायो शहर जो नालो कयो इन में छा रीजन आ सर मतलब छो न जेका तमा चो ता राइवल्स आइन किथे न किथे एकड़ी वह भावना मन में अची वेंदी आ छड़े उन इन गाल के असा के पप्पू कालाणी सा गड हलणो आ न हलणो हलो साईं अलग ही हलो पर अलग हली भी तव उन्हन का प्रेरणा छो न पाती के शहर ते शहर जे लाए असा विकास जा एड़ा कम कयो जो उन वक्त वांगुर जदे पप्पू कालाणी कम किया वरी शहर जो नालो थे दिसो एकड़ी गाल थे राजनीति तेड़ी गंदी शय आ पॉलिटिक्स में ही है ऑल ऑफ अ सडन व्हेन अ बॉय कम्स एंड राइजेस टू द टॉप एकड़ो ऑल ऑफ अ सडन एकड़ो मानू राजनीति में अची वियो जेको बेन सीनियर्स का इनन का उनन का भई तमाम जूनियर हो एकदम राइज ते हाइट ते पहुंची वियो त पो मानू के स्वाभाविक का मन में किथे ग्रज ईंदो आहे ईंदो आहे यार मारे जीवे से भाई थिए बाहु थिए हालांकि यो न करण खपे That is wrong. पर यो स्वाभाविक अची वेंदो आहे ऐं टुडे जेकॾहिं अॼु पप्पू सफ़र थो करे त इट इज़ बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल कंस्पायरेसीस ही इज़ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल कंस्पायरेसीस मां त पुलिस कमिश्नर पुलिस सां जॾहिं पप्पूअ खे टाडा में खयऊं सम्झ त आई फॉट विथ पुलिस कमिश्नर ऑल्सो वो चई आपके ऊपर भी टाडा लॻेगा आप पप्पू कलाणी के राइट हैंड हो जो वॉट यू सेड इज करेक्ट आई एम इज राइट हैंड और मेरे ऊपर टाडा लगती है तो आप लो मेरे को टाडा में जी मखी जी आप कैसे बोल रहे हो सर आप कैसे बोल रहे हो वो वाईसी पवार बिठो चई सर भाई यू अलाउ हिम टू गो ही इज अ हार्ड नट टू ब्रेक इन स्पाइट ऑफ कमिश्नर्स वार्निंग आई लेड द एजिटेशन अगेंस्ट हिज अरेस्ट इन जे गिरफ्तारी के खिलाफ I was the person who was in forefront and I laid the allegation. Akhbar unke interview dena, Times of India jade. Kedi suna hone ke, mukhe shayad maan lakab pe usi ya kithe ho se ya. Na, jaini lakab mein vidho unhe ni, subho jo mukhe phone ke hiye hua. Chahi, aapka kya vichar hai? Bhai pappu ko tata laga hai, but we will fight against this tata, against police and against government. कि मैं ऐसा लिख दूं आपके नाम से मैं जो मेरे नाम से ही लिखो मैं ही बोल रहा हूं मैं टाटा के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ और अपना गवर्नमेंट के खिलाफ मैं लड़ूंगा मैंने कहा टाटा हैज नॉट बिन टाटा का नाम ही है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट तो जो टेररिस्ट हो या जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज करता है ये कानून उनके खिलाफ है ये किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कानून सरकार ने नहीं बनाया एंड व्हाई ही हैज बीन पिक्ड अप अंडर दैट एक्ट
जहां कोई जामिन नहीं, कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। पुलिस ने उनको गलत उस कानून में फ्रेम किया है, दिस इज अ कंस्पायरेसी अगेंस्ट हिम। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो इंडियन पेनल को, आप तो वकील है, यू आर एडवोकेट वटवाणी, जी सर आप जी तो सर। वकील है जी सर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो यू पिन पॉइंट। नहीं तो मैं तो सर उस समय के भी आपकी आपकी बात जानता हूँ। मेरे मेरे बड़े जो है एडवोकेट वाटवानी या मेरे भाई प्रकाश चंद्र हो तो न्यूज में थे, आपने इंटरव्यूज कई, उनको भी दिए। कभी कभी आपका पप्पू कालानी के विषय पर आपस में भी मतभेद चलता था, लेकिन आप हमेशा पप्पू कालानी के अच्छे फॉलो रहे हैं सर। अरे भाई इंडियन पेनल कोड जो है IPC, उसमें इतनी धाराएं हैं तो किसी भी आदमी को आप उसमें बुक कर सकते हो किसी भी गैर कानूनी बात के लिए। तो भाई टाटा, मैंने एलके आडवाणी को भी स्पेयर नहीं किया। एलके आडवाणी व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मैंने नॉर्थ ब्लॉक में टाइम लेके यू नो आई हैड गॉन टू हिज ऑफिस, मैंने उनको भी बोला कि भाई लोग बोलते हैं भाई सिंधिन जो कोई धनी साही कोने चा चिंता ये केदा गलायो मा जो ये माना तो गलाया। दिस इज व्हाट कम्युनिटीज व्यू आई एम टेलिंग यू चाहिए भाई। मा जो आवर एमएलए ही इज इन जेल अंडर टाडा फॉर सेवरल इयर्स और उसका कोई जामिन नहीं हो रहा है, उसका कोई बेल नहीं हो रहा है, एंड यू आर देयर एज होम मिनिस्टर। ओके आई विल सी टू इट। No, sir, वो तो so वो तो बिल्कुल वी फॉट यू नो विद द गवर्नमेंट आल्सो इवन विद कांग्रेस गवर्नमेंट। में जाता था TRS के बाद तो मेरे को बोलते तुम कांग्रेसी हो, तुम टाटा डिटेनियों को मदद करते हो। अरे मैं कांग्रेसी हूँ तो पप्पू कालानी कांग्रेसी नहीं था, कौन था? आपने कांग्रेसी को, कांग्रेस सरकार ने उसको टाटा में डाल दिया। यू हैव डन अ राइट थिंग, सो दे वर ऑल आंसरलेस। सो दिस वॉज ऑल कंस्पायरेसी एक्चुअली एट द टॉप लेवल, जिसका वो विक्टिम बन गया। अब ये कुदरत की बात है। हाँ सचमुच सर, शहर शहर के लिए भी इन दिनों में मतलब एक बदनसीबी का नजारा इस वजह से दिख रहा है कि इन दिनों जब उनकी बिल्कुल सख्त जरूरत है और वो जेल के अंदर कैद है, ऐसे मतलब शहर के लिए भी बदनसीबी का माहौल है। ऐसा व्यक्ति अगर ये 6 साल चला उल्लासनगर में, ऐसा व्यक्ति 10 साल और शहर के अंदर रहता था एज अ लीडर, ही वुड हैव बीन एट अ स्टेट लेवल। या ऑफ कोर्स बिल्कुल, और इसकी लीडरशिप का फायदा जो है हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के सिंधी उठा सकते थे। यस सर, उनका टेन्योर सर लगातार कितनी बार वो एमएलए चुने गए, तब तो बिल्कुल चर्चा में थी ये बातें कि अब मंत्री बनने वाले हैं। यस, ही ट्वाइस बिकेम यू नो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, ट्वाइस, यस, फोर टाइम्स ही बिकेम एमएलए, थ्री टाइम्स ही वाज इन जेल, ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम देयर टू टाइम्स। Yes, yes, बिल्कुल। इतना पब्लिक का उसको प्यार मतलब जो मिला था, आज तक 70-72 सालों में किसी भी लीडर को इतना पब्लिक का प्यार मिला नहीं है, और किसी लीडर ने इतने गुड्स भी डिलीवर नहीं किए। यानी 6 साल के अंदर आप 12 साल का काम करते हो या 15 साल का काम कर देते हो तो यू आर अ मैजिशियन, आप एक जादूगर हो जाते हो। तो ही वॉज जस्ट लाइक अ मैजिशियन एक्चुअली, एंड हार्ड वर्कर, कोर हार्ड वर्कर और फोरसाइट रखने वाला। बिल्कुल सर, आपके मतलब दिल से प्रोत्साहन तो उभर के आ ही रहा है, साथ ही साथ लग रहा है जैसे आपके बातों से एक दर्द, उनकी कमी जैसे शहर को जो है वो खल रही है, जैसे बचपन के उसके संग वो सहारे ढूंढेंगे उसे गली गली, सब ये गम के बारे, सबके दिल में गम है कि बिल्कुल जैसे उनकी जो है वो शहर को जरूरत है। आज सर बर्थडे के मौके पर सारे अच्छा, शहर वासियों को जी सर, डेवलपमेंट शहर का, बाकी बात ये वो ये तो छोड़िए। एक खास बात जो पप्पू ने उल्लासनगर के सिंधियों को प्रोवाइड की, दैट वाज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम गुंडाइज्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटार्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम यू नो ऑल अदर टाइप ऑफ इलीगल थिंग्स, समझा? किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात की कोई तकलीफ होती थी, ये होता था तो दौड़ता था, सर मेरे साथ ये हो रहा है, अच्छा ठीक है, यू डोंट वरी, यानी शाम तक उस व्यक्ति की वो तकलीफ दूर हो जाती थी। कोई गुंडा उसे समझो बदमाश तंग कर रहा है या और कोई
उसे किसी ने कोई थ्रेट दिया है या कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है पैसे उससे, ये वो, तो ही वाज अ यू नो यानी एक बात अगर वाटवाणी साहब आप देखो तो हेलो आर यू कैन यू हियर मी यस सर लिसनिंग तो ही वाज सभी बीमारियों की एक ही दवा थी यानी बीमारी आपको कोई भी हो, आपको कैंसर है, आपको टीबी है, आपको कोरोना है, आपको मलेरिया है, सबकी बीमारी गोली एक ही है पप्पू कलानी भाई। चलो सर, जो कहते हैं ना कि जो जलन होती है बढ़ते हुए नामों से, ऐसे लोग कभी उनको अगर मतलब उनको गुंडा कहते थे, तो मैं तो कहता हूं जो गुंडे जिन जिनसे प्रोटेक्शन लोगों को चाहिए थी उन्होंने जैसे कह दिया कि अगर मतलब सबसे बड़ा हमारा भी कोई बाप है तो पप्पू कालानी जो गुंडागर्दी किसी की चलने नहीं देता। मैं आपको बताऊं सर, उस समय जब मैंने जैसे होश संभाला सोशल लाइफ में आया, तो मैं एक बार एक इंस्पेक्टर ने सीनियर इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में बात कही कि पुलिस वाला इज द ओनली गुंडा विथ अथोराइज्ड वेपन, गुंडागर्दी किसी की चलने नहीं देंगे। तो मैंने कहा सर आप ऐसे गुंडा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बोला मैंने क्या कहा, पुलिस वाला इज द ओनली अथोराइज्ड गुंडा विथ अथोराइज्ड वेपन। हमारे पास सरकार तो पप्पू कालानी के पास भी वो एक्चुअली कानून के साथ कायदे के साथ गुंडों को आम पब्लिक के साथ गुंडागर्दी करने नहीं देते थे, इसलिए उनका भी जो रोब जो है वो बिल्कुल रहा। और ऐसे रोबदार नेता वही सर जो जनता की मुसीबतों का समाधान कर सके, और हर बात में वो पुलिस की मतलब कहीं ज्यादती हो, कहीं गुंडागर्दी की जो है बात हो, या फिर कहीं विकास की बात हो, हर मोड़ पर वो बिल्कुल खड़े उतरे। और पप्पू कालानी जैसी शख्सियत मैं कहूंगा सर बहुत सारे और भी जो है स्पीकर्स है, लेकिन आज हरदास माखीजा जी पूरे शहर को सुनने वालों को देखने वालों को उनकी प्रेरणा लेकर पप्पू कालानी की प्रेरणा लेकर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए अभी लोगों के लिए मैं क्या संदेश दूं, हिज एब्सेंस इज अ बिग लॉस टू द सिटी, पप्पू कालानी की एब्सेंस इज अ बिग लॉस टू द सिटी। आई प्रे एवरी डे कि यह व्यक्ति जो है किसी भी ढंग से वापस शहर के अंदर आए, अपने परिवार से मिले, लोगों के बीच में आए और लोगों की सेवा में वापस लगे। ये मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि आज उनका सुपुत्र जो है ओमी कालानी, या मेरी जो बहन है बहन ज्योति कालानी, या उनकी बहू है पंचम कालानी, दे हैव अ गुड पॉलिटिकल पावर, दे हैव अ से इन द गवर्नमेंट, दे हैव अ से इन द गवर्नमेंट। मैं चाहता हूं कि सरकार के ऊपर, भले उसमें मेरे जैसे व्यक्ति को लेना चाहे या कोई, इतना दबाव लाया जाए कि दिस मैन हैज बीन रॉन्गली यू नो हैज बीन पुट बिहाइंड बार्स फॉर सो मेनी इयर्स, और उसका कंडक्ट जो जेल के अंदर रहा है, एंड लुकिंग टू हिज एज, आज 10 सितंबर को पप्पू कालानी का, कल उसके 69 इयर्स पूरे हुए, आज 70वां साल उसका शुरू हुआ है, हाँ 51 का उसका जन्म है। आज इस उम्र में वह व्यक्ति इतने वर्षों से जेल के अंदर है और जेल के अंदर उसका कंडक्ट जो रहा है, इट इज द बेस्ट किसी भी प्रिजनर का। तो सरकार ये सब बातें, एंड ही इज अ पॉलिटिशियन, और उसको जो सजा मिली है वो भी जो विटनेस जो था उस केस के अंदर, वो क्या बोलते हैं आप, जो विटनेस जब अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं लीगल टर्म में, वटवाणी? हाँ सर, वो उनके जो उनके हाँ विटनेस होस्टाइल हो गया। यस उनकी गवाही बदल दी। हाँ विटनेस होस्टाइल होने की वजह से हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सजा कंफर्म की है
I feel कि they have I am not a say jurist or कोई मैं वकील नहीं हूँ but as a layman I feel something wrong has done. Jethmalani sahab बोलते थे even judges also err in you know taking decisions. Yes, yes. उनसे भी गलतियाँ होती है वो भी human beings है. तो वी शुड टेल द गवर्नमेंट सरकार को हम ये बोल के रियलाइज करवाए कि दिस मैन एज यू नो रॉन्गली बीन यू नो इन जेल फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एंड नाउ इट इज हाई टाइम सरकार जो है उसको उनको पावर है गवर्नर जो उनकी सजा को माफ कर सकता है इतने साल उन्होंने जेल में बिताए हैं उनका कंडक्ट अच्छा रहा है और पब्लिक उनको चाहती है पहले भी ऐसे पास्ट में कई लोगों को ऐसे अभेदान मिला है तो बिल्कुल सर बिल्कुल आप जो जिन ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं ना उन ग्राउंड्स पर अप्रोचेस रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशंस और अर्जियां निवेदन करना ये तो बिल्कुल हम कानून के दायरे में हमारा हक है हमारा अधिकार है कर सकते हैं सर इसलिए मैं पप्पू कल्याण के राइवल्स को हाथ जोड़ के बोलता हूँ अभी सब पिछली बातें भूल जाइए समझा ये आपका शहर है इस शहर के और हमारी कम्युनिटी है कितनी माइक्रो कम्युनिटी है हमारी क्या स्ट्रेंथ है और इस छोटी सी कम्युनिटी में हम आपस में लड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ तो कम्युनिटी का कोई भविष्य नहीं शहर का कोई भविष्य नहीं शहर का अगर भविष्य बनाना है कम्युनिटी का भविष्य बनाना है तो वी हैव टू फॉरगेट अवर पेटी डिफरेंसेस वेदर दे आर पॉलिटिकल और वेदर दे आर ऑफ एनी अदर नेचर We should forget all those differences. Come on one platform. Let us unite, samjha, and work together for the betterment of the community and city. Aur thank you, sir. Thank you. भावना मन में नहीं लाएंगे तब तक तो शहर का भविष्य पता नहीं क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. Thank you, sir. You nicely conveyed the message to even rivals. के उनको भी आपने हाथ जोड़कर विनंती की है कि शहर के हित के लिए सोचें और यस हमारे भाई है कोई हमारे कोई एलके आडवाणी बोलता है पॉलिटिकल राइवल इज नॉट अ राइवल वो कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है आप एक लेवल पे चुनाव लड़ रहे हो दूसरा कोई दूसरी लेवल पे चुनाव लड़ रहा है मैं तो चुनाव में जब खड़ा था जमनू मेरे सामने तो कंपेनिंग के लिए जाता तो पांव पर के मेरे को बोलता था हमेशा सर मेरे को आप आशीर्वाद करो मैं बोलता था भाई मेरा तुम्हारे तुमको आशीर्वाद है तुम जीतना मैं खुद हारूंगा तुम चिंता मत करो एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु कांग्रेचुलेटेड हिम व्हेन ही वाज यू नो ही डिफीटेड मी एंड ही वाज इलेक्टेड और वो भी कहा जनरल पार्टी में पहली मीटिंग जो चुनाव के बाद हुई तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन वो हमारे कारपोरेटर हैरान हो रहे थे आप इनसे चुनाव हारे हो आप ही इनको बधाई दे रहे हो अरे भाई किसमें क्या है व्हाट इज देयर So, we are not enemies of each other. We are just, you know, हमको क्या है आपके जो political ये क्या बोलते हैं उसूल अलग है हमारे political उसूल अलग है We belong to different party, you belong to different party. That doesn't mean we are enemies of each other. We are all brothers, friends. Also, for the sake of community and city, we must come together on one platform and work for the community and city that I tell my you know brothers on the other side thank you sir thank you for your all given time aju jeko tama time dino sir keemti waqt unaje lae tama ji tah dil shukrguzari bilkul pappu ke liye main ek aakhri share bolunga before I yes sir yes leave this mic aakhri share unke liye bolunga ke kuch baat hai कि हस्ती मिटती नहीं हमारी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जा हमारा क्या बात है क्या बात है धन्यवाद थैंक यू अरदास माखिया जी थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल द बेस्ट हाँ अच्छा आइए अब मिलते हैं किसी और गेस्ट से देखते हैं हमारी टीम से पूछते हैं कि बैक स्टेज कौन यहाँ पर अवेलेबल है तो पप्पू कालानी जी के जन्मदिन पर जैसे कि हरदास माखीजा जी ने बताया कि 70वें वर्ष में उनकी उम्र जो है वो प्रवेश कर चुकी है 69 years he has completed
दिस बर्थडे, और 70वें वर्ष में वो जो है उनकी उम्र प्रवेश कर चुकी है। आज भी वो जब जेल में है तो वहां पर उनका जो कंडक्ट है, उनका जो वहां पर बिल्कुल सबके साथ रवैया है, उसको देखते हुए जो है शासन प्रशासन या जो न्याय प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अरदास माखीजा जी ने बात कही कि कोर्ट के कंसर्न में, न्याय के कंसर्न में, यह बहुत जरूरी है कि उनके जो शिकायत करता है, उनके जो राइवल है, उनके बारे में जिन्होंने कंप्लेंट्स की है, वो कहीं ना कहीं अपना मनभेद ना ले। मतभेद तो चलिए पॉलिटिक्स में होता रहता है, और अगर मनभेद भी कहीं गहराई से असर कर गया है तो उस पर पुनः विचार करें, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह में शहर में जिस तरह से चर्चा है कि पप्पू कालानी ने जो विकास कार्य किए हैं, आज शहर की खस्ता हालत जो है वो बिल्कुल पप्पू कालानी को पुकार रही है, जैसे जैसे शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। और कईयों ने दावा किया, कई जो है व्यवस्था के चलते दावे की बात कर रहे हैं आज भी, लेकिन शहर जो है विकास के मद्देनजर पीछे ही होता जा रहा है। और बात कर रहे थे हम उस युग की जब पप्पू कालानी ने जो है म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब जैसे इंटर करते ही उन्होंने ऐसे ही विकास की गति बढ़ा दी कि पूरी दुनिया भर में उल्लासनगर का नाम हुआ। और आज उल्लासनगर आसपास के शहरों की कंपैरिजन में भी जैसे बिल्कुल पीछे पड़ता जा रहा है। आसपास के शहर ही हम जब देखते हैं, वहां का विकास देखते हैं, वहां की सड़कें देखते हैं, और हम अपने शहर की सड़कें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोई नकारात्मक बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उस व्यक्ति विशेष के बर्थडे के दिन, जिस व्यक्ति विशेष को हम विकास के नाम पर ही जानते हैं। तो आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन पर हमने एक मतलब स्वच्छ और एक व्यवस्थित शहर का नजारा भी अगर भेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में दुख तो होगा, इसलिए ये बात चल रही है। आइए अब एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं। मंच टीवी की आज की ये प्रस्तुति है पप्पू कालानी के बर्थडे के विषय में, एक शॉर्ट वीडियो हम प्रेजेंट करते हैं। मैं स्ट्रीम टीम से कहूंगा कि इस वीडियो को प्रेजेंट करें, और तत्पश्चात कुछ और गेस्ट हमारे ऑन स्क्रीन स्ट्रीम पर रहेंगे। शॉर्ट वीडियो प्लीज। नमस्कार। तो ये आपने देखा एक वीडियो प्रेजेंटेशन पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आज का ये विशेष कार्यक्रम हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर मंच टीवी की ओर से। कई सम्माननीय जो हमारे अतिथि हैं आज आमंत्रित हैं लाइव स्ट्रीम शो पर बात करने के लिए, और विषय है कार्य सम्राट पप्पू कालानी।
हमारे साथ है गिरधारी वाधवा जो कि उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर सेवक भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं गिरधारी वाधवा जी के विचार उनके कुछ शब्द पप्पू कालानी के जन्मदिन के विषय में। आज 10 तारीख पप्पू कालानी का बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। 10 तारीख का आज उनका जन्मदिन है हमारे शहर के लिए। एक हमारे कृष्ण के रूप में उसने जन्म लिया था और उन लोगों ने काफ़ी उन लोगों ने अमीरी देखी और शहर का भला करने के लिए निकले थे 86 में। पप्पू कालानी साहब, हम लोग छोटे थे जब उसका नाम सुनते थे और उनके काम सुनते थे, हमें इतनी खुशी होती थी कि हम लोग भी ऐसे काम करें जैसे हमारा भी नाम हो। आज हम लोगों ने जो भी काम किए हैं, मेरे वार्ड में भी जो मैंने काम किए, आज उनके परिणाम पढ़ने से काम किए है, जो उनके राह पे हमने चल के उनके काम किए, हमने गुने आज भी जो उनके काम किए ले है 86 के लेके 2092 तक उसने काम किया 6 साल के कार्यकाल में, उन लोगों के काम आज भी रोडों के नहीं खुलते। आज का काम 6 महीने में भी नहीं, 6 महीना नहीं चलता है। आज हमने 35 साल से वो रोड 40 साल से देख रहे हैं कि वो लोगों का रोड कैसे चल रहे हैं और उनके काम कैसे चल रहे हैं। ना नालियां टूट रही है, ना चेंबर टूट रहे हैं, ना डैमेज टूट रही है, ना लाइट के खंभे खराब हुए। उस पीरियड के जो भी काम हुए हैं आज तक उसके चल रहे हैं। आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो उसके रोड नहीं टूट पा रहे कि उनके भाई हम लोग नए रोड रिपेयरिंग करें तो वो रोड नहीं, जीसीबी मशीन मंगाना पड़ता है उनके रोड उखाड़ने के लिए। आज की ऐसी पोजीशन है कि रोड 4 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में खुल जाते हैं पूरे रोड, एक बारिश भी नहीं चलती है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए जो राम भगवान जो हमारे थे वो आज वनवास में है, आज उनको जो माफियाओं ने उन लोगों को वनवास जो भेजा है, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस शहर के लिए एक हमारे लिए, एक शहर के लिए, सबके लिए, एक हमारे लिए राम भगवान को हमको हमारे लिए शहर के लिए भेज दे, जो आके शहर को संभाले और शहर के लिए अच्छा करे। हर समाज के लिए वो अच्छा था, उसको कोई कमी नहीं थी, उसके पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ था। ये सब माफियाओं ने उन लोगों के ऊपर जो किया है, अत्याचार जो किया है, ये उनके ऊपर नहीं, ये पब्लिक के ऊपर अत्याचार हुआ है। आज जो हमारा जो भगवान है उसके लिए हम भगवान सोचते हैं, कुछ चंद लोग आदमी लोग हैं जो उसके माफिया समझते हैं, गुनाहगार समझते हैं, हम नहीं समझते हैं कि बाकी वो गुनाहगार है। उनके पास सब कुछ दिया हुआ है, वो किसी सबके लिए भला करने वाला इंसान है। उसने जो आज तक काम किया है वो आज तक कोई नहीं कर पा रहा है। वो शेरदिल इंसान थे, उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए, हम शहर के लिए, आज शहर की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, शहर के रहने के लिए लायक नहीं है, लेकिन हमें एक भगवान जो है हमारे लिए एक अवतार समझ करके हमको वापस दे दीजिए। हम ये सरकार से प्रार्थना करते हैं हमारी सुनवाई करें, हर शहर के वासियों की सुनवाई करें। तो उनके कहने के ऊपर समझो, हम लोग चाहते हैं, हमारे पब्लिक आती है हमारे पास कि हमारे को साहब को हमको चाहिए, लेकिन ये सरकार का काम है। सरकार ने माफियाओं का सुना है, पब्लिक का सुना नहीं है। एक तरफ से सुना गया है, एक तरफ से नहीं सुना गया है। तो ये मेहरबानी करके हम चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में, हमारे बीच में उन्हें माफ कर दिया जावे, पब्लिक के लिए उसके लिए माफ कर दिया जावे। हम लोग हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि पप्पू कालानी को, उनको जो भी है उन्हें माफ कर दीजिए शहर के लिए। हम चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, हम पूरा शहर चाहता है पप्पू कालानी को। आज उनके बीच में हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। आज उसका जन्मदिन, हम तो चाहते हैं वो हजारों साल जिए। वो शेर दिल इंसान है जो सबके लिए भला करते हैं, सबके लिए चलते हैं। हम चाहते हैं वो हमारे बीच में होए और जनता के बीच में होए। हम यही चाहते हैं उन्हें, आज भी हम यही चाहते हैं कि उनको हमारे शहर के बीच में होना चाहिए। गिरधारी वाधवा जी, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे शहर के अंदर, हम जो चाहिए वो करने के लिए तैयार हैं। उन माफियाओं के बीच में से उनको निकाल लीजिए और हमें और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है गिरधारी वाधवा जी? मेरी आवाज आ रही है आपको गिरधारी वाधवा जी? हाँ आ रही है। हमारे तरफ से, पंचायत के तरफ से, जय महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन के तरफ से करोड़ करोड़ बधाई हो पप्पू कालानी को, और हमारे शहर के तरफ से हम चाहते हैं पूरी पूरी ढेर बधाई हो हमारी तरफ से।
अच्छा मनीष जी, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके सुपुत्र एडवोकेट मनीष वाधवा आपके साथ हैं, शायद उनकी आवाज मैं उनसे भी कहूंगा वो भी ऑनलाइन आ जाए और लाइव पे हमारे साथ संपर्क में रहे। मनीष जी आप भी आ जाइए ऑनलाइन, मैं गिरधारी वाधवा जी के ऑन बिहाफ आपसे भी बात करना चाहता हूँ। जरूर जरूर गिरधारी जी, तव्हांखे मुंहिंजी आवाज अचे थी? मुझी आवाज अच्छे। हाँ ओके हाँ मनीष मनीष जी मनीष हाँ गिरधारी जी तव्हांखां मां इहो थो पुछण चाहियां कि जीअं तव्हां चयो कि पप्पू कालानी जेको आहे असांजे शहर जे लाइ हमारे शहर के लिए मसीहा है, भगवान है और लोगों को भी बहुत तकलीफ है। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि पप्पू कालानी खुद योगा करते हैं और फिट एंड फाइन रहते हैं, कभी किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। आज भी जब जेल के अंदर वो कैद है तब भी वो वहां पर योगा करते हैं, अपनी सेहत को फिट रखते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। मतलब उनको इतना ज्यादा दुख नहीं होगा जितना पब्लिक को दुख हुआ है, क्योंकि पब्लिक जो है वो भुगत रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सच्चे इंसान की सबको जरूरत है, सच्चे इंसान की सबको जरूरत है। आज हमको पूरा शहर क्यों पीछे उसके पीछे फरियाद कर रहा है कि पप्पू कालानी हमारे बीच में चाहिए, क्यों क्यों बोल रहे हैं? अगर उनके लिए पब्लिक के लिए कोई गुनाहगार होवे तो वो चाह रहे थे भाई वो पब्लिक में बीच में नहीं होना चाहिए, पब्लिक चाहती है ना वो हमारे बीच में होवे। आज की कंडीशन क्या है? आज उनके 7 करोड़ की बजट में पूरा शहर बनाया, 7 करोड़ की बजट में, और 700 करोड़ की बजट की हालत देखो क्या है। 700 करोड़ की बजट को देखो आज शहर की हालत क्या है, 7 करोड़ की बजट को देखो आज शहर कहां का कहां पहुंचा दिया उसने, ड्रेनेज डाल दिया पूरे, उस टाइम में 86 में ड्रेनेज डाला, पूरे लाइट पोल लगाए, बोरिंग लगाई, सीसीपे से रोड बनाए, सीमेंट ब्लॉक रोड बनाए। जो लोग अपने आप को नेता समझते हैं उनके घरों में 50 साल तक रोड नहीं बने थे, इन लोगों ने जाके पप्पू कालानी जब जेल से छूट के आया तभी सीमेंट ब्लॉक 3 नंबर का बनाया। सीमेंट ब्लॉक रोड शिवाजी चौक से लेके उलास तक चला है, जो 50 साल में रोड नहीं बना था पप्पू कालानी आके उन लोगों ने रोड बनाया। ऐसे ऐसे रोड कैसे कब काम किए जो हम तो देखे थे, हमने सोचे थे भाई ये काम हम नहीं कर पाते, वो काम कर पाता था और उनके सामने गुनाहगार लोग बात नहीं कर पाते थे। आज कितनी पब्लिक के माँ बहन की कोई इज्जत नहीं है, लोगों की व्यापारियों को कोई इज्जत नहीं है। आज गुनाहगार लोग हमें पीसते हैं एकदम लूटते हैं बांटते हैं, ऐसी पोजीशन है। जिसके पास फरियाद करने के लिए जाओ वो हमारे लिए नहीं सोचते हैं, खुद के लिए सोचता है। आज की ये पोजीशन है, वो धनी था पप्पू कालानी था जो हमारे लिए सोचता था, हमारे से कभी 1 रुपया नहीं मांगा था और हमको इलेक्शन में पूरा मदद करने के लिए तैयार था, A to Z, 1 रुपए से लेके जितना भी खर्चा होगा मैं करेगा, आप खड़े रहो। ये हमारा ये आदमी लोग क्या बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे आंखों के सामने है कि हमारा जो खर्चा होगा हम करेंगे, तुम्हारे ऊपर खर्चा आप खड़े रहो। मतलब उनको सच्चे इंसानों की जरूरत थी, सच्चे इंसानों को चाहता था, लेकिन माफिया नहीं चाहती है कि ये लोग होवे या इसके सच्चे लोग होवे। ये हम चाहते हैं आज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं वो हमारे शहर के बीच में हो। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा आपने, मैं चाहूंगा मनीष जी भी हम लोगों ने देखी है, हम लोगों को छोड़ दीजिए आप पूरे शहर की हालत देख लीजिए क्या आंखों के सामने है आपके। नहीं सच बात कह रहे हैं और देखिए आपकी बातें सुनकर बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मीरा पंजाबी जी है वो बिल्कुल जो पप्पू कालानी जी के लिए चर्चित बात है कि वो केर आहे पप्पू शेर आहे। एडवोकेट मनीष वाधवा आपका स्वागत है हमारे मंच टीवी के इस कार्यक्रम पप्पू कालानी बर्थडे विशेष में, कार्य सम्राट पप्पू कालानी। मनीष जी कैसे आप? एकदम मस्त बढ़िया एकदम। कैसे हैं आप दीपक जी? कैसे हैं? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। मनीष जी आज आपने जिस नजर से पूरे शहर को देखा है, आप भी एडवोकेट हैं, यूथ हैं और आपने बिल्कुल वो जो एडवोकेसी की जो वो रूटीन पढ़ाई की पीरियड है वो मेरे साथ ही बिल्कुल तय की है और आज आप जी, बिल्कुल जी। जो है एकदम क्राइम और सिविल दोनों स्ट्रीम्स में
अच्छे एडवोकेट की फहरिस्त में आज जाने जाते हैं। इवन बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी जो है लिस्टिंग होती है। आप एज एन एडवोकेट, कानून व्यवस्था कहें, पुलिस व्यवस्था कहें, आपके पिता खुद नगर सेवक रह चुके हैं, शहर के विकास की व्यवस्था कहें, किस नजर से देखते हैं इन सब सब बातों के मद्देनजर पप्पू कालानी को? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की उसके तुरंत बाद मेरा पप्पू कालानी अंकल जी से, वो मेरे पिता समान है और मैं उनके छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी उनके साथ में रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में नगर सेवक रह चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि छोटे से थे हम लोग उनके साथ में ही रहे हैं, आधे से ज्यादा टाइम हमारा उनके साथ में ही बीता है। कभी कुछ कार्य के लिए, कभी गेट टूगेदर्स के लिए, काफी कार्यकाल उनके उनके साथ में ही हमारा बीता हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की उनको ये पता चला था कि मनीष ने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की है, तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि तुझे बहुत आगे बढ़ना है ये फील्ड में और तुझे मेरा साथ देना है। तो जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की और तुरंत पप्पू अंकल ने मुझे कॉल किया और मुझे उनके एक कार्यकर्ता थे उनके ऊपर कोई झूठा गुनाह दाखिल करवा रहा था, तो मुझे बोला गया था उनके तरफ से कि मनीष ये मैटर आपको देखना है, उनको हेल्प करनी है क्योंकि उनके ऊपर बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो उस नजरिए से वो मैं उनके उनके लिए वहां पे पहुंचा, उनका उनकी मदद की, उनके कार्यकर्ता की, तो वो बहुत खुश हुए मेरे काम से और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। उसी समय से उन्होंने उनका विश्वास मुझ पर इतना अटूट बन गया कि हमारा उनके साथ में रोज अर्ली मॉर्निंग कोऑर्डिनेशन होता था कि आज का ये प्रॉब्लम हुआ है, ये इसको सॉल्व करना है। तो मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनके साथ में था और अपने शहरवासियों के लिए उन्होंने मुझे इतने मैटर्स रेफर किए कि मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक समाज सेवा के हिसाब से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, शहरवासियों के लिए मुझे बहुत सारे काम बताए और मैंने वो सब काम उनको करके भी दिए। तो इनकी वो मतलब प्यार था अपने शहरवासियों के प्रति, जो भी काम उनका उनके पास कोई बोलता था, उनको जाता था उनके पास, तो उनका काम तत्पर वो करके देते थे किसी भी माध्यम से, चाहे वो हम हो, चाहे वो मेरे पिताजी हो, चाहे वो किसी और माध्यम से, उनको मतलब शहरवासियों को रिलीफ पहुंचाना बखूबी आता था। इसलिए हर शहरवासी उनके लिए आज भी प्रार्थना करता है कि वो उनके बीच में है। वो सच में हमारे ऐसे भगवान के तरह थे, जैसे कहते हैं ना कि राम भगवान गए थे तो पूरा मतलब शहर जो उनका जो अयोध्या था वो सुनसान हो गया था, वैसे ही हमारा जो शहर है आज वो सुनसान हो चुका है, उनके बिना कुछ भी नहीं है ऐसा लगता है हमें। जी जी मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि किसी तरह की व्यवस्थाएं हो शहर में, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की व्यवस्था हो, पुलिस की व्यवस्था हो, वकीलों की अपनी संस्था हो, ये व्यापारी हो, कोई भी संस्था, मतलब युवाओं को वो इस तरह से आगे लाते थे। अब देखिए, एक एडवोकेट जब पढ़ाई पूरी करता है, फिर जब वो प्रैक्टिस करने जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस से संपर्क प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है वो, तो उसे कहीं ना कहीं बाकी सब बातों का जो है वो सामना करना पड़ता है। पप्पू कालानी ऐसे ही थे कि मनीष आपको मैं ये काम देता हूं, लेकिन पीछे सपोर्ट रखते थे, और आप और हम जैसे वकील भी इन बातों को बिल्कुल एक्टिवली करके उनकी मोटिवेशन हो जाती थी कि देखिए चलो हमने वकालत तो कर ली, थियरी तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली अब लाइफ से जो है वो कैसे अपनी वकालत को लाइफ में इस्तेमाल करना है, कहां पर अपने वर्चस्व को दिखाना है, कानून की अहमियत क्या है, ये कहीं ना कहीं देखो, एक तरफ आपको उन्होंने बुला लिया कि किसी के समस्या का समाधान करना है, उसका समाधान तो हो गया, दूसरी तरफ आपको एक एक्टिविटी मिली जहां आपको एक मोटिवेशन मिली कि चलो, और अगर आपकी वो एक्टिविटी कहीं विफल हो जाती थी तो पप्पू कालानी वहां पर पिलर बन के आपके, ऐसा उनका स्वभाव रहा, कुछ कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने लोगों को वहां पर सेट किया होगा, शहर में और कई व्यवस्थाओं में कितने लोगों को सेट किया होगा, इससे उनका मतलब कहीं भी जो है वो करप्शन करना नहीं था, कहीं भी पार्शियलिटी करना नहीं था, बस आप जब तैयार होके आते हैं तो आपको मोटिवेट करना था,
और शहर के कई युवाओं को उन्होंने मोटिवेट किया है। और आपने तो जैसे बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीपक जी, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को अपने साथ जोड़ा है तो वही आज उनके उनके कदमों पे आज उनके बेटे श्री ओमी कालानी जी भी वही कार्य कर रहे हैं और वो भी अपने कार्यकाल में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। युवाओं को अपने साथ लेके उनको मौका देना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि युवा आज की जनरेशन जो है उनके नए थॉट्स हैं, उनके कार्य प्रणाली जो है वो अलग है, काम करने की क्षमता अलग है। तो उन्होंने अपने टाइम में अपने युवाओं को और अपने साथ में जो उनके सीनियर जो लीडर्स थे उनको साथ में लेके जो कार्य किए हैं तो वो काफी काबिले तारीफ है, उनका कोई मुकाबला नहीं है आज के तारीख में, कोई उनके जैसा नहीं, काम नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक बार मुसीबत में मैं फंस गया था तो मुझे भी वहां से निकालने वाले मेरे प्रेरणा स्रोत्रे मेरे आदरणीय श्री पप्पू कालानी जी, मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से उन्होंने बचाया था। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूं और आज भी उनको तहे दिल से याद करता हूं और चाहता हूं कि वो आज हमारे शहर के बीच में जल्द से जल्द आ जाए, जल्द से जल्द हमारे शहर के बीच आ जाए। समाज का ढांचा ही ऐसा बना हुआ है मनीष जी कि अगर आप अच्छा करने जाते हो तो समाज में जो आपके विरोधी हैं, बुरा करने वाले लोग, वो एक ग्रुप बना लेते हैं और कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में फंसा लेते हैं। ऐसे मुसीबत में फंसने वालों को कईयों को पप्पू कालानी ने सहायता की और जिनकी जिनकी अच्छाई को उन्होंने समझा और सचमुच वो सबके लिए प्रेरणा के सूत्र बनकर रहे। और मैं तो कहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले अरदास माखीजा जी से मैं बात कर रहा था कि शहर में क्या कोई ऐसा नहीं है जो आज इनके उनके जन्मदिन के मौके पर कहे कि हमने पप्पू कालानी से प्रेरणा ली है और चलिए हम वही दिन शहर में लाएंगे जो पप्पू कालानी के समय शहर के विकास की जो बुलंदियों पर बात पहुंच गई थी। वैसे आज शहर की हालत खस्ता है। आप जब टीम ओमी कालानी की बात कर रहे हैं तो चलिए हम किसी और से उम्मीद न करके किसी अन्य पार्टी से क्यों उम्मीद करें जब उनका सुपुत्र ही खुद जो है पॉलिटिक्स में, तो आपसे तो टीम ओमी कालानी से तो उम्मीदें हैं ही कि फिर वो दिन आएंगे पप्पू कालानी के जन्मदिन पर। आज उनको सबसे जो अच्छी गिफ्ट, मैंने आपके पिताजी से भी कहा गिरधारी वाधवा जी से, कि उनका जेल में रहना उनके लिए मालूम नहीं कितना जो है दुखदायक है लेकिन जनता के लिए तो अत्यधिक दुखदायक है, जनता तो भुगत रही है बिल्कुल। तो शहर का विकास होना चाहिए, वो अब जिम्मेदारी आपकी है टीम ओमी, आप भी शायद टीम ओमी कालानी के पदाधिकारी हैं। जी जी जी, मैं उनके उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके लीगल पैनल पे जुड़ा हुआ हूँ और जो भी कार्य रहते हैं उनके आदेश से हम लोग करते हैं और उनका पूरी तरीके से काम को एक अंजाम तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है शहर के लिए, हमारे शहर वासियों के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है, आज उनके जन्मदिन के मौके पर अगर आप प्रण करें कि बिल्कुल आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ समय में शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी, चलो टीम ओमी कालानी ही सही, आप जैसे युवा ही सही, अगर आज ये प्रण करते हैं तो ये भी पप्पू कालानी जी के जन्मदिन की एक अच्छी बात हो जाएगी। जी जी जरूर दीपक जी, आपके टीवी आपके माध्यम से ही सही मैं आज ये प्रण करता हूँ कि पप्पू कालानी जी के जन्मदिन दिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर, मैं जो भी मुझे मौका मिलेगा हमारे भाई ओमी कालानी जी के तरफ से या हमारे पिता सूत्र हमारे श्री पप्पू कालानी सर के माध्यम से, तो जरूर हम लोग शहरवासियों की सेवा करेंगे और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शहर का भला हो और शहर में तरक्की हो, उन्नति हो और खुशहाली हो। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू गिरधारी वाधवा जी, थैंक यू मनीष वाधवा जी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, आपने आज जन्मदिन के इस मौके पर शुभकामनाएं दी और अपने विचार मंच टीवी के इस कार्यक्रम पप्पू कालानी बर्थडे विशेष कार्य सम्राट पप्पू कालानी के जन्मदिन के मौके पर आप लाइव स्ट्रीम आए और आपने अपनी शुभकामनाएं दी। थैंक यू। तो बिल्कुल जो है आज जन्मदिन का मौका है और बिल्कुल आप देख रहे हैं तो कई जो है व्यक्ति विशेष आज इस लाइव स्ट्रीम शो में, मंच टीवी के लाइव स्ट्रीम शो में हमारे समक्ष आ रहे हैं। मैं हमारी टीम से मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि हमारे गेस्ट जो है वो
अब जो है अब मैंने आपको कहा कि लाइव स्ट्रीम एक पूरी टीम होती है और बिल्कुल हमारे रवीश वलेसा सर और रेखा मैडम खुद जो है वो आज यहाँ पर मंच टीवी के इस लाइव स्ट्रीम शो में जो है पूरी टेक्निकल कंसर्न्स जो है उसकी देखरेख उनकी देखरेख में महेश शर्मा जी हैं, जयश्री मैडम है और बिल्कुल ये जो स्ट्रीम हो रहा है शो पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस पर कई हमारे सम्माननीय अतिथि लाइव स्ट्रीम शो में आ रहे हैं और मंच पर आके अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारी अगली कड़ी जो है वो सिंधु यूथ सर्किल के चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी सुंदर डंगवानी जी हमारे बीच है लाइव स्ट्रीम शो में। मैं स्ट्रीम टीम से कहूंगा कि सुंदर डंगवानी जी को ऑन स्क्रीन लाए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते, किया आयो? फाइन सब ठीक है सर? एकदम सर। पप्पू कालानी जी का जन्मदिन है, अर्जुन जो जन्मदिन है और मां तमा के बुधाया 69 साल उम्र जा उन्होंने पूरा किया। मुझे पार 70 करोड़ को लगा जी। जी सर, ता जी घणी उम्र है सर? I'm running 75. You are running. मतलब तमाम उन्हें कहाँ पंज छह साल वड़ा है उस? Yes, हाँ। पर तमाम भी तो एकदम मतलब यंग लगा पे आयो कंपैरिजन का जे ओडे भी का यंग पर्सनालिटी जिन जो था जन्म नीता मनाई हुए तमाम भी एकदम यंग लगा पे आयो जो भी फाइन एंड फिट एक्टिव ऑल सोशल एक्टिविटीज में बिल्कुल एक्टिव है तमाम सर। यार सब उन्हें जी मेहरबानी है यार ऐसा कुछ नहीं। सर किया जो शुभकामनाओं जे मौके ते छा विचार पेंजा रखन चाहिंदा उल्लासनगर जो जंखे कार्य सम्राट खणी चाहिजे उन वक्त में जय वक्त में उल्लासनगर जी व्यवस्था जी कमान उन संभाली हुई शहर में विकास जा नजारा हुए सब डिठाऊं अज शहर जी हालत दिसी उन नजारन के किथे न किथे याद तो कयो वने ए जदे उन नजारन के याद तो कयो वने ता पप्पू कालानी जी याद थी अची वने बदनसीबिया के अड़ा नेताओं जे केन वो किथे ने किथे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जे करे जेल में कैद है। उनन जे जन्म दिन जे मौके ते अज सर की तमा शुभकामनाएं देन चाहिदा? कह रहे थे मैं यही बोलूं कि मैंने उनको शुभकामनाएं सवेरे ही भेजी है श्री ओमी कालानी श्रीमती ज्योति कालानी को दोनों को भेजी है और खास करके हमारी एज अ सिंधु सर्किल पहला मैं पर्सनल बोलता हूँ एज अ पर्सनल तो मैंने उसके कार्य की बहुत ही सराहना की थी और उसके लिए मुझे कुछ बहुत तकलीफ भी हुई थी और ये भी मैं डिक्लेयर ये भी आपको बता दूं कि मैं सियासत में नहीं हूँ। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आई एम टोटली एज अ सोशल वर्कर। आई वॉज इन अ पॉलिटिक्स बट आई लेफ्ट इन 2000। तो मैं यही कहूँगा कि इसकी कार्यशैली देख के मैंने उसको मैंने बहुत कुछ साथ दिया था और कोशिश की थी कि क्योंकि जो भी आदमी इस शहर के लिए कुछ करता है तो हमारी जान भी हाजिर है उसके लिए। तो उसने भी बहुत कुछ किया तो हमने उसको बहुत कुछ मदद की हर कार्य में और खास करके जो सिंधु सर्किल है तो वो तो ज़्यादा रणी है क्योंकि इसके पीरियड में हमारा जो सिंधियत कल्चरल सेंटर बना था उसका भूमि पूजन जो है 4 नवंबर 2003 मैं डेट अच्छी तरह से आपको बताता हूँ 4 नवंबर 2003 उसने हमारे संस्था के सिंधियत कल्चरल सेंटर की भूमि पूजा कि में वो चीफ गेस्ट थे और आके उन्होंने नारियल तोड़ा और जो दूसरे भी पॉलिटिकली आदमी थे मैं कहूँ सब गणमान्य व्यक्ति ऑल बिलोंगिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऑल सोशल वर्कर्स ऑल आर्टिस्ट यू आर बी आल्सो देयर दैट टाइम। तो उन्होंने सब ने मिलके इस सिंधियत कल्चरल सेंटर इट वाज अ प्रेस्टीजियस सेंटर थ्रू आउट इन इंडिया जो सिंधी लोगों ने बनाया है उसका श्रेय मैं श्री पप्पू कालानी को जरूर दूंगा क्योंकि उसने सबसे ज्यादा हमारे साथ डट के हमको प्रण किया था कि मैं आपके साथ हूँ आप चिंता मत करो आगे बढ़ो हम साथ हैं और उसने आखिर तक निभाया हमारे साथ। और इस बात का भी मुझे बहुत दुख है कि अनफॉर्चुनेट ही इज इन जेल एट प्रेजेंट लेकिन वो हमारी सिंधु सर्किल की आंगन में हमेशा के लिए उसको हमने स्थिति कर दिया है और
और हमारे दिलों से वो बाहर नहीं निकल सकता है। जो भी आदमी, जो भी कोई अच्छा आदमी कार्य करता है, वो कितना भी छोटा कार्य क्यों ना हो, लेकिन उसको आदमी भुलाते नहीं है। इतने आदमी अनग्रेटफुल नहीं है। तो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन अदर थिंग्स, बट आई मे से दैट दिस पर्सन हैज गिवन लॉट ऑफ ब्लड फॉर सिंधी कम्युनिटी एज वेल एज फॉर दिस टाउन। बट यू नो नेचर इज प्लेइंग देयर ओन रोल एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विथ अस, बट माई गुड फीलिंग्स आर विथ हिम, गुड फीलिंग्स आर विथ श्रीमती ज्योति कालानी, ओमी कालानी। एंड यू नो वेरी वेल ऑल्सो कि 8 अगस्त को मैंने आपके 15 अगस्त मेरा शहर मेरी देश मैंने ये कहा था कि हम लोगों को सभी को साथ में लेकर चलकर सभी भेदभावों को भुलाकर यदि हम साथ में चलेंगे तो इस शहर का विकास होगा। आप लोग भली पॉलिटिक्स प्ले करो, यू लेट यू प्ले द पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपुल, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, बेटरमेंट ऑफ your society, betterment of your town. It should not be destructive, it should be constructive. And this is very difficult to understand. So again, I will request that on this sacred day of Mr. Pappu Kalani's birthday, people must join, think about this town, or isko keval bolna nahi chahiye, karke dikhao. Bolne ki zarurat nahi hai, karke dikhao. Jo karke dikhata hai, usko yaad kiya jata hai. पप्पू कालानी को इसलिए हम याद करते हैं कि जो उसने बोला था उसने ज्यादा करके दिखाया। तो आज के नेताओं को भी मेरी ये विनती रहेगी कि आप करके दिखाओ, यदि आप करके दिखाते हैं तो ही बहुत अच्छा है। बाकी यदि आप लोगों को लगता है कि आदमी भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आदमी भूलते नहीं है। आपका यदि कोई भी छोटा सा भी कार्य रहेगा तो आदमी जरूर याद करेंगे। सो आई रिमेम्बर द गुड डेज विथ हिम, I always remember him. I am sad that he is not with us today. Yes, सुंदर डंगवानी, हाँ यस सुंदर डंगवानी जी, तव्हां बिल्कुलु सही ॻाल्हि था चयो कि तव्हां हमेशह हुनखे यादि रखंदव। पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि, मूंखे बि ख़बर आहे त 2000 में या कहिड़े सन जी ॻाल्हि आहे जॾहिं तव्हां बि पॉलिटिक्स में हूंदा हुयो, मतिलबु मां सम्झां थो हिकु इलेक्शन बि तव्हां कॉन्टेस्ट कई आहे। हा इलेक्शन कंटेस्ट न कई, फॉर्म भरियो हुयो पर उन खां अॻु ई ॿाहिरि कढी छॾियो। अच्छा, कारण? कारण सर, कारण हाणे घणा ई कारण आहिनि, हाणे मां छा चवां, कारण ॿुधाईंदुसि त सुठो न आहे। सम्झे, मां सर हिकिड़ो कारण चवंदुसि, हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदुसि, द पीपल शुड नॉट टेस्ट मी, आई एम रेडी टू गिव अ लाइफ फॉर द कॉज। सर पॉलिटिक्स जो ही मंच जॾहिं असां जाम दुखड़ा रहूं था कि शहर जे लाइ कुझु बि न थी रहियो आहे, शहर जी जेका व्यवस्था, जो पप्पू कालानी जो बर्थडे आहे ऐं पप्पू कालानी खे उल्हासनगर शहर जे उन कंस्ट्रक्टिव कम जे लाइ, जैसे आपने कहा कि जो काम करेगा उसको यादि किया जाएगा, डेफिनेटली जेको काम कम कंदो उनखे यादि कयो वेंदो। हेतिरो अॼु हेॾा, मतिलबु हेॾो पीरियड हलियो आहे, सभिनी रीस कई पर प्रेरणा कंहिं न पाती। रीस कई, मां बि वॾो बणिजा, मूंखे बि माण्हू यादि कनि, रीस जाम आहे, पर ओड़ो कम बि त खपे, तॾहिं त वञी नालो थींदो। ॾिसो कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे, कॾहिं कभी क्या होता है कि ऊपर वाले की जब तक मेहरबानी नहीं होती है तो सरकमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि कोई अच्छा आदमी भी हो, कितनी भी कोशिश करे तो शायद कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो आदमी पहचाना जा सकता है, भाई इसने, इसकी सोच बराबर है, इसकी काम करने की लगन है, इसको कुछ करके दिखाना है, वो पता पड़ जाता है उनके आंखों में से, उनके बोलने में से, उनके उठने बैठने में से आदमी का पता पड़ जाता है। पॉलिटिशियन शुड नॉट थिंक दैट पीपुल आर फूल, पॉलिटिशियन मस्ट रियलाइज दैट पीपुल आर नॉट फूल, दे अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट यू आर डूइंग। सो please, all politicians should not take people as a granted. They are very wise people nowadays. Your actions show how much you are honest with the public. Usne jo 1.5-2 saal ke period mein kaam kiya tha, 1.5-2 saal ke period mein Shri Pappu Kalani ne jo kaam kiya tha, Ullasnagar mein kabhi bhi nahi hua tha. Isliye Pappu Kalani ko aaj aadmi yaad karte.
इसके लिए नहीं याद करते हैं कि उसने उनको कुछ माल खिलाया, ये दिया वो दिया, लेकिन उसने जो 1.5-2 साल में रिजल्ट दिखाई थी, गुजरे 10 साल में रिजल्ट नहीं आई थी, तो इसके लिए याद करते हैं आदमी। माल खिलाने वाली बात, करप्शन तो हर दौर में आए दिन। आज पप्पू कालानी के लिए लोग कहते हैं कि मंत्रियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, आज तो आए दिन हम देखते हैं सभी पॉलिटिशियंस मंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बना के बैठे हैं। लेकिन मंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाना सिर्फ माल खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं होना चाहिए, शहर के विकास की बात तो बिल्कुल दिखती नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं बातें जो है वो लैकिंग है सर। देखो वाटवानी जी, मैंने आपको कहा कि आदमी के आचरण से पता पड़ जाता है कितना ऑनेस्ट है वो, आदमी के आचरण से पता पड़ जाता है कितना ऑनेस्ट है। मैं मानता हूँ करप्शन है, ऐसे मैं कभी भी रूल्ड आउट नहीं करूंगा कि करप्शन टोटल जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई टोल्ड यू नो, जो जीता वो सिकंदर, जो करके दिखा है उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। कभी कभी अच्छी बातों को करने के लिए भी कुछ ऐसा उल्टा करना पड़ता है जो कानून के निगाह में गलत होता है। कभी कभी अच्छे काम करने के लिए भी कभी ऐसा कुछ करना पड़ता है जो कानून के निगाह में गुनाह होता है, और उसकी सजा आदमी को भुगतनी पड़ती है, करता समाज के लिए है लेकिन भुगतना उसे पड़ता है, क्या करें, यही दुनिया की रीत है, भरनी पड़ती है। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही दुनिया की रीत है, सचमुच किया गया तो समाज के लिए ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपसी रंजिश जो दिलों में पाल के रखते हैं ना लोग, वो राइवल, अपने आप को एक दूसरे का राइवल समझते हैं, उसके लिए शहर भुगत रहा है। बिल्कुल हाँ वाटवानी साहब, मैं बोल रहा हूँ घड़ी घड़ी आया बात थिक ऑफ दैट सीन दैट टाइम, थिक ऑफ दैट सीन दैट आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू सी दैट पीपल शुड फॉरगेट देयर एनिमिटी, but I failed. Yes. I say that I failed. I brought all those people who were against each other at one platform at a Sindhu circle. Because my mind is very clear. I am not an enemy of anybody. I am not an enemy of my enemy. So why should I bother? I am not bothered. So let us convey this message to don't be enemy of anybody. आज सुंदर डंगवानी जी की ओर से पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही एक संदेश है कि एक दूसरे के विपरीत मन में जो ये दुश्मनी की भावना पाल ली है उसे निकाल दो भाई, बस यही आपका संदेश है, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल निकाल दो, उसमें आपका भी फायदा है और हमारे सिंधी समाज का भी फायदा है और हमारे उल्लासनगर का भी फायदा है, लेकिन वो तभी निकलेगा जब तो आपके दिल में सफाई आया हो ना, होठों पे सच्चाई आती है जब दिल में सफाई रहती है। बिल्कुल, होठों पे सफाई तभी आती है जब दिल में सफाई रहती है, दिल में सफाई लाओ तो सब काम आसान है यार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा बोल गया हूँ। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा बोला, जहाँ दिल में सफाई रहती है होठों में सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, क्या बात है। सुंदर डंगवानी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर पप्पू कालानी के जन्मदिन की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे शहर को ढेर सारी शुभकामनाएं और कालानी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शायद आज का ये मौका इस हमारे उल्लासनगर को बनाने में काम आ जाए सच है, चिंगारी भड़क उठे और कुछ काम हो जाए। सच है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कमलेश जी किया हो? एकदम बढ़िया सर, ताम बताओ ताम किया सर। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब पर देखने वाले मंच टीवी का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्य सम्राट पप्पू कालानी जी का जन्मदिन आज इस लाइव स्ट्रीम शो के माध्यम से मना रहे हैं और हमारे बीच इस शहर के प्रसिद्ध यूं कहें कि शहर के क्या देश विदेश के प्रसिद्ध जो है पार्श्वरे गायक कमलेश कपूर जी हमारे साथ हैं, जो कि माता की जोत में तो बिल्कुल जो है जागरण जोत के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन दिनों झूलेलाल साईं के, बैराने साहब के, और या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या और कई प्लेटफॉर्म्स पर इनके जो एल्बम सॉन्ग्स हैं वो काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। कमलेश जी, तव्हां जो अॼु जे हिन खास स्ट्रीम शो में स्वागत आहे। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, तां बजाओ तां किया है सर।
एकदम एकदम फाइन कदम। वो जो कोरोना का काल चल रहा है उसमें कहीं इस महामारी ने आके यहाँ वहां से घूम के आपको तो अफेक्ट नहीं किया ना कहीं से भी? अभी तक तो कृपा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज निकल रहे हैं बाहर तो शायद कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकारों का क्या हाल है सर कोरोना काल में? बहुत बुरा हाल है और मैं यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, क्योंकि काफी सारे परेशान हैं आर्टिस्ट, बहुत बहुत जो बेचारे जो म्यूजिशियंस हैं, जो बहुत काफी म्यूजिशियंस तो बोल भी नहीं पा रहे हैं और लिटरली वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई जोमेटो में लग गया है, कोई बेचारा मतलब जो अपने गांव में जाके कोई खेती कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई चला गया है यहाँ से। भाई जब काम खुलेगा तब आएंगे, क्योंकि कोई रेंट पे रहता है, लाइट का बिल नहीं भर पा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही है अभी, मतलब अब तक सॉल्व नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आया है अभी तक, तो पता नहीं फिर क्या होगा 21 तारीख के बाद है नहीं है, मगर लोग भी डरे हुए हैं। चलो तो एक तरफ से कुछ हो भी जाए तो फिर बुकिंग्स तो होनी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में इतने आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, बैंड वाले हैं, तो उतने लोगों को काम होना भी उतना काम जैसे पहले होता था अगर होगा तो ही सबको काम मिल पाएगा, नहीं तो 2-4-5 लोग तो कर ही रहे हैं। नहीं कमलेश जी, कमलेश जी 21 के बाद कुछ उम्मीदें हैं मंदिरों के, गुरुद्वारों के जो है वो द्वार शायद खुल जाएंगे, और फिर जो सोशल गैदरिंग का कंसर्न है वो शायद उसमें थोड़ी डील दी जाए, और जैसे ही सोशल गैदरिंग में डील दी जाएगी तो कहीं ना कहीं कलाकारों के छोटे मोटे जो प्रदर्शन है वो पॉसिबल हो सकते हैं। और वैसे भी अभी जो पूरी कमान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ऐसे पॉजिटिव जो है वो कलाकारों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस आ जाए। बहरहाल कमलेश जी, आज हम इस मौके पर उपस्थित हैं हमारे शहर के कार्य सम्राट पप्पू कालानी जी का जन्मदिन। जी मैं दिख रहा हूँ आपको। आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका वीडियो भी क्लियर है, ऑडियो भी, लेकिन वो शेक हो रहा है, आप उसको थोड़ा सा देखिए जो भी सोर्स है आपका कि वो थोड़ा शेक ना हो। और हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कमलेश जी आपकी उम्र कितनी है? लगभग 36। उम्र उम्र पूछनी नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं ऐसे कोई बात, आपके फैन फॉलोअर्स भी बहुत मतलब मेल फीमेल कई सारे होंगे ना ऐसे? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, और मैं बिल्कुल जिगजिगाता नहीं हूँ, मैं बिंदास बोल देता हूँ, क्योंकि इंसान जो फेस पे होना चाहिए वही अंदर होना चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ। मेरा तो कोई और कारण था, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि आप पप्पू कालानी को कितने वर्षों से जानते हैं? काफी सालों से, मैं शायद बचपन से ही जानता हूँ उनको, मेरे साथ तो हाँ बचपन से ही, और क्योंकि हम मुझे लगभग याद है 95-96 लगभग। ओके। तो उनसे मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है वो चीजें, क्योंकि उस टाइम वो एकदम पॉलिटिकल जो था वो सबके जुबान पे उल्लासनगर में लोग जानते थे उनको, तो हम कहीं समझो बाहर भी जाते थे तो कोई पूछता था भाई आप कहाँ से हो, हम बोलते थे उल्लासनगर से, तो अच्छा वो क्या जहाँ पे वो पप्पू कालानी जी रहते हैं, कहीं बॉम्बे गया, क्योंकि वहां तब मोबाइल नहीं थे, तभी इंटरनेट नहीं थी, तो भी उनका नाम इतने लोगों सिर्फ मतलब किसी को बोलते थे आप वहां से रहते हो जहाँ पे पप्पू कालानी रहते हैं, तो वो उन्होंने हमको कहीं कहीं ऐसा लगता था अरे इतना नाम उनका है, क्योंकि सिर्फ जब कॉल मुंबई भी लगाना पड़ता था तो एसटीडी से कॉल लगता था, मुझे याद है अच्छी तरह से। नहीं नहीं आपकी हमारी जो अभी उम्र है ना, और जब हम छोटे और बचपन या फिर जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए वो उम्र गुजार रहे थे, तब तो मुझे याद है कि हवाओं में पप्पू कालानी का नाम हुआ करता था, मतलब जहां तहां जाओ पप्पू कालानी का शहर हवाओं में, कई सालों तक वो जो मतलब ऐसे जैसे शहर में एंट्री करो तो जो शहर का नाम ही जैसे पप्पू कालानी के साथ जुड़ जाता था, वो भी हमने दौर देखा है, और आपने भी शायद बड़े बुजुर्गों के उपस्थिति में वो दौर देखा होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत गाला सही गाला ये उन्हें जो नालो बाकायदा उन्होंने उतनी कमाई कई उन्हें जी करे उन्हें जो नालो नाले जी उन्हें जो उन्हें जो उन्हें जो औरो ही हैं अगर वो किते भी रहा होता है या वो कैसा हैंडशेक भी करता तो माउंट ऐसे ना होया यस उन्हें जो उन्हें जो हाथ मिलाने जो अंदाज आ मुझे याद आ ये हाथ हों कोई लगन हो के वाकई कोई उन्हें से हाथ मिलाने वेंदा कोई मतलब सेल्फी हो जमानो तो ओडी मले न होयो तो जमला कोई मिली करे भीड़ में मिली करे हाथ भी मिलाई न हो ना तो उनके लगन हो के मां के वडे
मतलब एक शाही मानू से हाथ मिलाया हुआ तो यो ओडी मतलब और मां देखो आ बाकायदा छ तो माके भी वो होदो के वणा साहब सा मिला गालाया औ लिटरली मसा एक किस्सो थयो आ मखे स्प्लेंडर बाइक होंदी हुई 2000 जे करीबन प्रॉपर ईयर या मखे ना याद आ चौथे नंबर आया साहब पप्पू गलन का पे मां पवाईता अच्छा पे कुछ कम करे मखे स्प्लेंडर बाइक हुई टीए सेक्शन जे बाहर जो रैली को चले भाई रैली ओडी मल सब रैली खत्म करे मुखे बाइक से वना मोसा कोई हो मुखे याद ना उन्होंने मुझे बाइक से वेही करे मुखे चय बाइक हल तुझी बिल्कुल शॉक तो थी मुखे कोई मानू चयो मुखे याद ना तो मुखे चय भाई बाइक साहब को बाइक चलानी आप देंगे क्या उनको बाइक मैं बोला बिल्कुल देंगे मैं लही कर बिल्कुल पोया थी साहब मुझी बाइक हलई स्प्लेंडर मुख्य माना मुख्य याद मतलब एक्चुअली शॉक थी उन टाइम से नेहरू टीए सेक्शन का वे चौथे नंबर का नेहरू चौक तेजे पोया वेठो और पप्पू साहब मुझी बाइक हलई नेहरू चौक से लथा वही दई कर मन हली वो मुझो शायद रिकॉर्ड भी थोड़ा कें में हल्द भी वो क्लिप मुख्य याद आ थोड़ी सी तो पर मुखे मुझे लाइ जाम यो हो अचानक सा भाई इंसान जो सोची तो कद न कद वो शे सामू अची वे तो वो मुझे लाइ जाम मेमोरेबल आ भाई मुझी बाइक उन्हें हलई सोच का मथे ना या उन्हें स्टाइल मतलब यूथ हाँ तक बुदाया कि मूसा भी सेम किस्सो थो एक दफो वयस ए बिल्कुल तैयार हुआ कारू बारू रेडी हुई कार में चढ़ी करे किदे वन वो अचानक पुठिया टर्न कई चई वाटवणी तू किदे तो वे सर बस मां घर वेंद चई खी आयो है बाइक खी आया चई कड बाइक कार वार छे सीधो मुझे बाइक के पुठिया वही रहा सीधो धोबीघाट हलिया धोबी घाट में भी उतने मना कें असामाजिक तत्व मतलब उन्होंने दबदबो तो एकदम हर कें मथा हों न मतलब एक उतने जो डाडो मू उन बाकायदे उनके धड़को देो हो वो धड़को भी मुझे बाइक से दई वी हली आती सर पर मतलब उनकी डेयरिंग स्टाइल होंगी ना प्लस जो तुम्हारा चोरी मेल हथ मिलान की स्टाइल हाँ उनके जैसे जेल की सजा लगी उन पैरी जो एकदम इमीडिएट रिसेंट टाइम तो बुधा सेल्फी स्टाइल उनकी बार मिलन बार सेल्फी कटाए उनके बार उन अगर खुश थी मिलन चाहे सेल्फी रिकॉर्ड न रखने कि मैं तोसा मिलो आ सेल्फी कटाए कर उनके चौंदो फोन दे पेंजो सेल्फी मतलब हे जो रिसेंट टाइम है जो आने सजा लगन गिरफ्तार थे उनहा पेरी जी तो गाल क्या तो तदे तो उन गीत में चयल आ ना के बारन सा बार आहे यारन सा यार आहे वो केर आहे पप्पू शेर आहे एक्चुअली असा जी जी कैंपेनिंग में भी तवा घणे दफा पार्ट वठतो हुंदो मतलब जी त जी त मा समझ कमलेश जी अच्छे तो आवाज ताके बुधण मजो हां हां अच्छे तो मके आवाज अच्छे तो जी 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 कैंपेनिंग मतलब जरी आ जरी मले चूंडू थिनियो इन तवा के गाना ठाणा ला देना वेना है तवा गाना गाइंदा हो तवा त कलाकार हो तवा हर पार्टी जेला गाना लिख्या भी हुंदा गाया भी हुंदा कैंपेनिंग में जदे गाना हलना है त ताके भी यो मौको मिले हुंदो के पप्पू कालाणी ते कुछ लिख्यो वने कुछ गायो वने तवा भी पार्टिसिपेट कयो हुंदो जरूर कदे न कदे के न के भाभी जन जो कयो हो मा गानो इलेक्शन के टाइम ते बाकी ओमी भैया जो कहवा मा रिकॉर्ड बर्थडे सॉन्ग कहवा ओमी भैया जो पर साहब जो मा एको गानो कयो हो पर वो मुझे ख्याल का शायद वो हले उन जाम जूनी गाला बट उन में वायरल हां वायरल हां वो न तो हां भाभी जन जो गायो हो इलेक्शन में वो भी पप्पू कालाणी साहब ते गाना ते जाम ठाया कैंपेनिंग में अलग अलग पर वो जो गानो आ ना वो सबनी के डोमिनेट कंदो आ वो केर आ पप्पू शेर आ मतलब वो ना वो शायद वही बता के बताया लगभग मुके याद आ ये जो टाइम लगभग गणपति इन पीरियड्स में होनी है लगभग एदन सालन का लगभग सितंबर में गणपति होंदी आ 40 जो टाइम होंदो आ त लगभग असा उन में मुझे चौकी होंदी त साहब इंदा होया पक्का गणपतिन में साबिंदा तो असा जो जमल इंदा होया तो एंट्री इकड़ी गाना हलंदो हो ओ वो केर आहे जिए पप्पू शेर आहे जिए गिटिए गिटिए घर घर के खूब तो सजाए गिटिए गिटिए घर घर के खूब तो बनाए ओ जिए 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 पप्पू कालाणी ओ जिए 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 पप्पू कालाणी हेलो।
अच्छे तो आवाज कमलेश जी 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 सर आने आया हाँ मैं यो पे पूछना चाहिए कि अज इन मौके ते कुछ कुछ नौ कुछ मतलब कमलेश कपूर स्टाइल में थी वने ना सर एक्चुअली मैं कुछ प्लान न हो तो कुछ ये कहो ना तो हूं सबेदा ऑडियंस सिंधा तो अगर तू हो जिया तो मैं हाँ, ना ना वो तो ही गीत जेको तमा बुधायो यो भी असा ताज आवाज में बुदो सी बिल्कुल जेको है यो गीत त मतलब आद जुगात तई मां समझा तो प्रसिद्ध रहंदो ही रहंदो बिल्कुल इन गाने जे करे असा के जिया ब्या भी जाम मानु है जाम असा के फोन आई ना कि असा के उन वांगरी गानो ठाए दे तो मां पेनो तो एक गाल उन के चोंदा के ये जेकी छे एक बेरो ठांदी आ वो बियर न ठोंदी आ या उन का बेहतरीन ठोंदी आ उन का बेहतरीन ठोंदी पर वो न ठोंदी आ तब हर को असा के कोई भी मानु चोंदा ना यार मके उन वांगर गानो खपे साहब वांगर गानो खपे बिल्कुल गाने हिंदी हुए सिंधी हुए जबरदस्त वो शय पेंजे शब्दन सा वेंदे वेंदे के शुभकामनाएं दीना पप्पू कालानी जे जन्मदिन ते बिल्कुल मां उनके पेंजे दिल सा मुझे परिवार तरफा मां एक सिंगर जी ताम के बुदायो ताने जितरो चाउ उनन लाए उनन दी तारीफ करन छो तो उनन उतरी मेहनत कई आए बिल्कुल शहर लाए औ उन में कोई गाल ना है तो दिल सा ये दुआ उनन के ठीक हुजन तंदुरुस्त हुजन औ बाकी सचमुच जल्दी वो पेंजे शहर में अचन बिल्कुल जो शहर जो हाल आ वो जल्दी अची कर ठीक कन छो तो उन्हें शहर की वधिक जाना है कि किथे कड़ी शह कें ठीक कर सकबी है तो मां ये माता रानी सा मुझे झूलण सा मुझे वसण घोट सा वाहेगुरु सा जिंजा जिंजा मां हाजिर जिते जिते लगाई आया उन्हें सभी दरन ता अज विस्पत जो ढी साईनाथ महाराज के भी अर्ज कदम के असाजे शहर जहा श्री पप्पू कालानी साहब जल्दी जल्दी शहर में अचन और तुंदरस हुजन ये मुझे दिल से दुआ हुए पर उन एक लाइन वरी गाइंदुस के बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरजू Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. आप जियो हजारों साल साल हो जी जी कमलेश जी मेहरबानी तमा बिल्कुल दिल जे जज्बात सा दिल जे उत्साह सा तमा अज जे इन मौके ते शुभकामनाएं दिनियो हैं ए ब्या भी गेस्ट असा सा गद हैं पर मां स्ट्रीम टीम के चंदन त एक ब प्रमोशन जो वीडियो हलाएं ए कुछ टेक्निकल जेका कंसर्न आए अद मिनट जी इन टेक्निकल कंसर्न का पो वरी गेस्ट सा मुखातिब कंदासी तेस तई तमा लाइव स्ट्रीम ते ही वीडियो दिसंदा रहंदा जेको आहे पो असा कंटिन्यू कंदासी जवार वसयानी सर बैक स्टेज वेठा हैं अद मिनट में उनन के भी ऑन स्क्रीन आणींदासी
जिए 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 पप्पू कालानी, वो केर आहे पप्पू शेर आहे। 10 सितंबर के दिन कार्य सम्राट पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10 तारीख को इस 2 घंटे के लाइव स्ट्रीम शो में आने वाले 10 मिनट तक हमने आपके लिए भी स्ट्रीम शो ओपन कर रखा है। अगर आप में से भी किसी को इसी लिंक पर आके अपने विचार जो है, अपनी शुभकामनाएं देनी है पप्पू कालानी जी के लिए, तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें, हम आपको लिंक भेज देंगे और इस लिंक के माध्यम से आप हमारे इस स्ट्रीम शो में एंटर करके पप्पू कालानी को शुभकामनाएं, पप्पू कालानी जी को शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9011140224। मैं एक बार फिर से कहता हूं, स्क्रीन पर भी वो नंबर आप देख सकते हैं, 9011140224। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप पप्पू कालानी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो फिर आपको लिंक भेज दी जाएगी और इसी लिंक के माध्यम से जो है वो आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे अन्य अतिथि जो है, मैं स्क्रीन टीम से पूछना चाहूंगा कि जवाहर वस्यानी जी शायद हमारे बीच हैं, मैं पहले जवाहर वस्यानी जी को मंच पर लाना चाहूंगा और तत्पश्चात दादी पुतली लालवानी जी भी हमारे बीच उपस्थित है लाइव स्ट्रीम शो में, दोनों साथ में जो है स्ट्रीम में, जवाहर वस्यानी जी और दादी पुतली लालवानी। जवाहर वस्यानी सर क्या आयो? बस कृपा है तवन जी, बस कृपा है तवन जी, आशीष सर, तबीयत पानी सब ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू आवर पप्पू डियर सर, जी सर, यस 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 सर, यस सर। सर पप्पू कालानी जिन जे जन्मदिन जे मौके ते तवा केड़ी पेंजू गाली शेयर करन चाहिंदा पेंजे जेका तवांजी सक्सेस जिंदगी आहे उनन सा जेको तवांजो लागापो रहयो आहे ए उनन जे कॉलेज जी व्यवस्था में भी किथे न किथे तवां उनन जो पार्ट आयो त किए तवां सर अज जे इन मौके ते कुछ गाली शेयर करन चाहिंदा कुछ व्यवस्था जे बारे में बुधाण चाहिंदा कुछ संदेश पब्लिक जो अज सजो री भी जेका तो घट पोंदो जी जी पर नखिल में ता यो बुधाइनम ता मिस्टर पप्पू कालानी जड़ो लीडर मिलन मुश्किल आ गया एक विजनरी अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट अ ग्रेट मेंटर जे जो विजन एतरो सुठो हुंदो हो जो नदी जेका प्लानिंग आहे वो हमेशा सक्सेस रही भले उन्हनि जी असां सां एजुकेशन जे हिसाब सां जेका भी लव विचड़ रही या उन्हनि जा जेके ॿिया सोशल कार्य ॾिठासीं इवन उल्हासनगर जा जेके रस्ता ठहियल आहिनि अॼु बि माण्हू जेके आहिनि से पुराणे जेके वक़्त जा आहिनि उहे चवंदा आहिनि त रोड त पप्पू कालानी ठाराया उहा जेके असां हुनजी दूरांदेशी हूंदी त जेकॾहिं कमु कजे त क्वालिटी ऐं लॉन्ग लाइफ वारो कमु कजे मां उन्हनि सां उन्हनि जे मतिलबु कॉलेज लाइफ खां वठी ॼण जुड़ियल रहंदो उन्हनि जे मैरिज जे टाइम खां भई अॻु में खां मां उन्हनि सां उन्हनि जे फैमिली सां उन सां जुड़ियल रहियो आहियां पूरे कॉलोनी परिवार सां मुंहिंजा सुठा रिश्ता उन टाइम खां रहिया आहिनि ऐं मां उन्हनि में हिकु डायनेमिज़म ॾिठी आहे ॾाढो डायनेमिक शख़्सियत जेका तमामु मुश्किल सां मिले असांखे असांजे शहर खे अहिड़ो लीडर अलाए कॾहिं मिलंदो पियो जंहिं हर कंहिं ॻाल्हि में नपे तोले सुठा कम शहर जे लाइ कया शहर जो विकास उनजे दौर में वधि थियो एजुकेशन जे फील्ड में मां भले अॼु कालानी कॉलेज सां जुड़ियल आहियां पर इहा उन्हनि जी बदौलत आहे त जेके बि स्लम एरिया में ॿार आहिनि उहे पढ़नि उन्हनि खे डिप्राइव न सुठियूं स्कॉलरशिप्स ॾिए थो पियो डिस्काउंट्स थो ॾिए पियो ऐं हुननि जेका सो वक़्तु बे वक़्तु असांखे मोटिवेट कयो आहे हिकु ग्रेट मोटिवेटर जूनियर कॉलेज कॉमर्स आहे साइंस आहे असां वटि डिग्री कॉलेज कॉमर्स जो BSCIT ऐं हाणे इनकम बि असां वटि अची वियो आहे ही हुनजी जेके आहिनि से असांखे गाइडेंसिस आहिनि त तव्हां जेका नीड ऑफ द टाइम आहे उनजे अनुसार जेका शहर खे बहबूदे जे राह ते वठी हलो
असा सचपच थोड़ा था यूं वी आर मिसिंग हिम ही कदे असा सा गड हुंदो भगवान करे कोई अड़ो करिश्मो थी वने जो हो वापस अचन असा जे विच में हो जन कयो पाण खे वीडियो व्यू जो हाँ सर ठीक है सर मुझे आवाज अचे तो सर तवा के हाँ दीपक सर मुझे आवाज अचे तो सर तवा के तो तवा जो आवाज मुख्य आने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर तवा के सजी स्क्रीन ते दिसी सगु था असा मां पाण खे जेको ऑफ वीडियो रखियो पर हाने ठीक है तवा जी स्क्रीन भी एकदम ओके है सर जवर वस्यानी जेको पाण सोशली एडो एक्टिविटीज में जेको आ इन्वॉल्व आहे किथे न किथे जवर वस्यानी भी को समय हो पॉलिटिकली भी जेको अवेयर हुंदो उन जी शख्सियत अज पप्पू कालानी जे लाइ या पप्पू कालानी जे अज जन्म दिन जे मौके ते राजनीति जे लाइ नौजवानन के अज तवा मतलब यूथ जे लाइ इंस्पिरेशन आयो तवा जे हर उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिते जिते तवा रहो एससीएस में रहो या जो डीटी कालानी कॉलेज की व्यवस्था से गड यूथ तवा सा संपर्क में रहन यूथ सर पप्पू कालानी का शा प्रेरणा उनन के मिलन खपे हेलो सर तवा जो आवाज ब्रेक थी विच में ना अचे तो सर तवा जो आवाज अचे तो बिल्कुल मां पूछा पे सर अचे तो आने आवाज मुझो यूथ के पप्पू कालानी का प्रेरणा खड़न खपे उन्हें यूथ के लिए यूथ तवा जे संपर्क में एजुकेशन व्यवस्था में वधीक आहिनि सर थैंक यू सर सर पप्पू कालानी जा हमेशा ये विजन हुंदा हुआ त यूथ के सही राह ते आणियो एम्प्लॉयमेंट वधायो जेतिरो थी सघे उन्हनि खे पंहिंजे बलबूते ते अॻिते वधण ॾियो अॼु जेको मोदी सर जे चवण आहे आत्मनिर्भर उहो पप्पू सर असांजे लाइ घणा साल इहो संदेश ॾिनो भई हर कंहिं स्टूडेंट खे स्वावलंबी बनायो सेल्फ डिपेंडेंट बनायो अर्निंग एंड लर्निंग भले उहो गॾु कनि ऐं शहर मां करप्शन जेका था ख़तम थिए हमेशा हुननि जो इहो ई चवणु हूंदो हुयो उल्हास नगर जापान हुजे जंहिंमें हर कंहिं क़िस्म जी सुठी डेवलपमेंट हुजे जापानी बाज़ार त ठही पर उल्हासनगर जापान अलाए कॾहिं ठहंदो मां अॼु जा जेके बि यूथ आहिनि उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदमि त हू असांजे पप्पू कालानी सर जो जेको संदेश आहे त अर्निंग एंड लर्निंग ॿई भले गॾो गॾु कयो सेल्फ डिपेंडेंट थियो स्वदेशी अपनायो शहर जे विकास जे लाइ तव्हां अॻिते वधो उहे हाणे हिन वक़्तु इकोनॉमी थोरी डाउन थी रही आहे त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वधि में वधि बेस्ट तरीक़ो आहे ॿिए हंधि जॉब करण जे बदिरां जेकॾहिं असां नंढा पंहिंजा रोज़गार चालू कयूं त उहे वधीक सुठो ऐं उन अग्राहीअ में मां सम्झा थो मैडम ज्योति कालाणी बि लेडीज़ जे लाइ तमामु घणो कुझु कयो आहे त उन्हनि खे सेल्फ डिपेंडेंट थियण में भई नारी शालाऊं खोलाइण कंप्यूटर कोर्सिस जे लाइ उन्हनि खे इनकरेज करणु जेका वक़्त जी अॼु डिमांड आहे उन में उहो अॻिते वधी सघनि था पिया बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल मतलब तव्हांजी जेका ॻाल्हि आहे उहा 100% राइट बि आहे इहो पप्पू कालानीअ में प्रैक्टिकली ॾिठो बि वियो आहे की यूथ खे हमेशह हुननि इंस्पायर कयो आहे ऐं हाणे उन्हनि जो सुपुत्र जेको बि पाण नौजवाननि जे लाइ हिकिड़ो जेको आहे आइकॉन बणिजी करे साम्हूं अची रहियो आहे अॼु जे पॉलिटिकल व्यवस्थाउनि जे बारे में सर तव्हांजो छा राय आहे अॼु पॉलिटिकल कंडीशन्स शहर में कीअं आहिनि छो त अॼु जनम ॾींहुं आहे उन शख़्सियत जो जंहिंखे पॉलिटिकली ऐं शहर जे एडमिनिस्ट्रेशन जे नाले सां सुञातो वेंदो आहे अॼु कीअं हालतूं सर पप्पू कालाणीअ जे जनम ॾींहं जे मौके ते मतलबु मां पॉलिटिक्स तां जाम परते आहियां मुंहिंजा मतिलबु पॉलिटिकल
हाय हेलो जो रिलेशन हर क्या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से रहन पर मां पॉलिटिक्स में कदें भी इन्वॉल्व न थियो आ इन करे मुखे उन जे बारे में इतनी जान काने पर मां ये जरूर चंदस शहर में वो जो सुधारो थन खपंदो हो जेके गालियो थन खपनी हो कल्याण है अंबरनाथ अस का पोर डेवलप था असान जे शहर आए जे में रोड अना तई चंगी तरह नथया इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर काने लाइट जो प्रॉब्लम रेगुलरली रहे ही रहे तो पे पानी की तकलीफ रहे ही रहे थी पई असा का पो जेके से नेबरिंग सिटीज जेके जे काफी डेवलप किया उतान दी प्रॉपर्टी जो वैल्यूज बढ़ी गयो इवन मजा के सुठा वेल विशर फ्रेंड्स कल्याण में रहन ता पे उए जेरे लाइट ए बिल जी जेके ने बुधाइना भाई उते रेट एडो घटा है असा लाइट का बिल घटे भगवान रेट वधिक है अने रिसेंटली असा बुधो से मिस्टर ओमी कालानी मुहिम हलाई है तो शायद 30% नहीं कुछ लाइट का बिल कुछ घटी सगन था प्या पर चई न तो सके पे सर पॉलिटिक्स का मां तमाम दूर आया भले मां कॉलेज संभाला तो पे वो उनन मान जो है जे पॉलिटिक्स से जुड़ेल है वधिक मां न चई सकन कुछ भी पॉलिटिकल लेवल ते पर शहर की हालत जगह सा असन जे नेबरिंग शहर जे भेट में इतनी सुठी काने का जेतरी क्षण गुर्जे नता लाए घणा मानु ता जो के छडे वनी रहन कोई शायद न वजना हां सर पॉलिटिकल जेको सिनेरियो हुंदो ना सर वो वास्तव त हर व्यवस्था सा रखंदो ना एजुकेशन जी व्यवस्था हो जे टीचर हो जे व्यापारी हो जे भले असा पॉलिटिक्स में न हो जू भले इन न हो जू भले के इलेक्शन के कॉन्टेस्ट न कयो हो जे उन उन मंच ते इन न हो जू पर वास्तव त रखे रहे तो ए तवा सही गाल ता चो के जेके तवा जा जेके वेल विशर्स हन उते वनी रहन ता कंपैरिजन ता केन त असा जो शहर जण किथे न किथे पुठिया हली रहवा सर बिल्कुल पुठिया हली वया किथे न जाम गालन में सर इंफ्रास्ट्रक्चर में तां केतरा दफा असा व्हाट्सएप ते में पिक्स दिसौंदा फेसबुक ते असा जा मां शुक्रगुजार आं मिस्टर नरेश टहलरामानी जो जेके वक्त बे वक्त जगाईंदा रहंदा आं माण्हू खे त असांखे रस्ते में खॾा न नज़र ईंदा आहिनि पर खॾनि में रस्तो ॻोल्हणो पवंदो आहे जितां स्कूटर हलायूं त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ॾेखारनि थियूं पयूं त केतिरे क़दुरु जेका सो असांजे शहर में जेका सो मतिलबु रोडनि जी त हालति जेका सां जल्दी जल्दी ख़राब थी थिए पई तंहिंखां पोइ लाइट जा प्रॉब्लम पाणी जा प्रॉब्लम त परसिस्टिंग आहिनि या अॼु जेका सो कल्याण अमरनाथ रोड आहे 5 साल थी विया अलाए केतिरनि वीचारनि जा दुकान भॻा अलाए केतिरा जेके आहिनि से बेरोज़गार थिया उन्हनि जी रिहेबिलेशन न थी उहो जेका सो हिकिड़ो उन टाइम ते जेके बि पॉलिटिकल लीडर्स करे पहिरियों उन्हनि खे रिहेबिलेट करणु खपंदो हुयो तंहिंखां पोइ जेका सो डेमोलिशन करणु खपंदी हाणे जेका सो जेको थी चुको आहे उनखे कुझु नथो करे सघे पर अॻिते जेका सो असांखे सोचणो आहे जेको थी वियो दैट्स गॉन हाणे असां उन्हनि जे लाइ छा था करे सघूं उहो जेके बि सत्ता में आहिनि उन्हनि खे सोचणु घुरिजे जीअं अॻिते हली करे बि उहो सत्ता में अचनि त उनजे लाइ तॾहिं थी सघंदो जॾहिं हू शहर जो विकास ग़रीबनि जो भलो जेके बि लोअर मिडिल क्लास आहिनि जिन जा बि जेके दुख दर्द तकलीफ़ आहिनि उहे दूरि थियनि वधीक सुठो थींदो ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो मां मिस्टर ओमी कालोनी जो बि थोरायतो आहियां जिन अॼु 4 हॉस्पिटलनि जो उद्घाटन करे रहिया आहिनि शहर जे लाइ उन्हनि जूं के सुठियूं स्कीम्स रहियूं आहिनि ग़रीबनि जे लाइ खाधो या शेल्टर्स या इवन कालाणी कॉलेज खे कोविड सेंटर करे डिक्लेयर कयो वियो हुयो भई असां जेके बि ईंदा उन्हनि खे हिते अकोमोडेट कंदासीं स्कूल ऐं कॉलेज ॿई त इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ॿिया बि जेके लीडर्स आहिनि उहे अॻिते वधी करे फ्री ऑफ चार्ज हेल्प कंदा सर्विस ॾींदा त मां सम्झा थो शहर में थोरो वधीक सुधारो अची सघे थो पियो बाक़ी पॉलिटिकल लेवल ते कमिश्नर साहिब या जेके बि आहिनि उनजे जेके पावर्स आहिनि उहे उन हिसाब सां शहर जे विकास जी के सुठी योजनाऊं बनाइनि अॼु ताईं जेको सो असांजी एपेसा न वधी सघी आहे जॾहिं के पासे वारनि शहरनि में अॼु 30 माड़ा बिल्डिंगियूं थियूं ठहनि पियूं त असांखे मतिलबु रिफ्यूजीस आहियूं त वधीक पंहिंजी विझनि पर उहे बिल्डिंग मिलिया कान्हनि बिल्कुलु सही था चओ सर ऐं इहे ॻाल्हियूं बिल्कुलु थियणु खपनि सर तव्हां जेके आहिनि अॼु इन पप्पू कालानी कार्य सम्राट जिन जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते सुजाॻीअ जूं ॻाल्हियूं चयूं ऐं घणो कुझु थियणु खपे त पप्पू कालानी जिन जे जनम ॾींहं ते सुठी ॻाल्हि इहा ई रहंदी की लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऐं जवाहर वसियानी सर जेको चई रहियो आहे उनजे लाइ असां कोशिशूं कयूं
शहर जो भी विकास थे, शहर पॉजिटिव लाइनअप थे बिल्कुल, शहर जा जेके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आइन जिनजे हथ में वाग आए वे सोचन इन गाल जे लाए ए शहर जो भलो थे। सर थैंक यू वेरी मच जवर वसानी सर, तवासा के पेंजो कीमती वक्त दिनो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ये जो आप गीत सुन रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब अगर ये कोरोना काल ना होता तो शहर भर में ये साउंड चलते और आप शहर भर में ये गीत जो आप सुन रहे हैं हर वर्ष होता है। मतलब आज पप्पू कालानी जो है सबके दिलों में बसता है और ये गीत हवाओं में गूंजता है और इस गीत के गूंजते ही जैसे एक वाइब्रेशन सी हर एक के जो है मतलब आसपास की हवाओं में ऐसे गुनगुनाते हुए स्वर और लोगों का उत्साह आज मंच टीवी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मतलब कोरोना काल में और कुछ तो कर नहीं सकते लेकिन लाइव स्ट्रीम घर पर बैठे बैठे पप्पू कालानी के जन्मदिन के उत्साह की ये घड़ियां तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मंच टीवी ने पप्पू कालानी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्साह की इन घड़ियों को शेयर करते हुए आपके समक्ष आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, कार्य सम्राट पप्पू कालानी। हमारे साथ कमल डेम्बा जी हैं जो कि
राशनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, राशनिंग के कई कार्यों को जो है वो सकुशलता से बिल्कुल निभाते हैं। कमल जी नमस्कार। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? आपके दुआएं सर। कैसे आज आज का मौका है उल्हासनगर के कार्य सम्राट पप्पू कालानी जी के जन्मदिन का। जी सर बिल्कुल, आपका उनसे संबंध रहा है और बहुत आपके कनेक्शन उनके साथ? हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा है और हमारे में उन्होंने हमें जो मदद की है कमल जी आपके साथ स्क्रीन पर दुनिया भर के लोग जो हैं वो लाइव पर जया साधवानी जी को भी देख रहे हैं। जया जी तमाम जो स्वागत आ दीदी। थैंक यू, धन्यवाद दीपक जी। क्या है मजे में? मजे में एकदम, मतलब काल केड़ो भी हुजे, वक्त केड़ो भी हुजे, मुस्कुराईंदर चेहरो जया साधवानी ऑलवेज ग्रेट। थैंक यू। बीमारी बीमारी तांगे दिसी भजी हुई हुंदी पर एकदम बीमारी ऐसा है छाईंदी आ गया अद पाण मुकाबलो कंदा यू या तो फाइटर या प्रेरणा के यस असांजे लाडले नेता असांजे भाव माई चवा भाव न सिकल दे भाव असांजे भाव पाराणीअ जे पारां असांखे इहा प्रेरणा मिली आहे ऐं असां अॼु जे हिन बर्थडे जे मौके ते साहब लाइ दुआ कंदासीं त साहब असांजे विच में जल्द अचनि ऐं अची असांजे शहर जी रखवाली कनि। न न ॾाढी अॼु ॾिसो दुनिया भर जा जेके ॿुधंदड़ आहिनि ॾिसंदड़ आहिनि जया साधवानी मतिलबु केॾो उत्साह सां ॻाल्हाए रखिया। जया साधवानी जिन खे तव्हां हिकु निडर मतिलबु महिला नेता जे हिसाब सां भई फाइटर को समय दीदी मां थोरो मतिलबु समझदारी जॾहिं तॾहिं ईअं मूंखे लॻंदो की पप्पू कालाणी सां कॾहिं कॾहिं तव्हां झगड़ो बि कंदा हो ईअं माना शहर वारा ॾिसंदा की तव्हांजो उन्हनि सां, पर जॾहिं तव्हां मतिलबु उन्हनि खे वेझराई सां सम्झो क्लोज थिया ऐं तव्हांजो ऐं उन्हनि जो जेको कमु करण जो सिलसिलो गॾु पाण में हलियो त केॾो शहर जो विकास। दीपक जी घर जा भाती आहियूं असां, उन्हनि जे भाउ भेण आहियूं, भाउ भेण में सभु कुझु हलंदो आहे, हलंदो हलंदो बिल्कुलु एग्रीड 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 बिल्कुलु। वॾा भाउ आहिनि ऐं भाउ भेण सां भेण कुझु बि क़बूल क़बूल थो कयां, क़बूल थो कयां। असांजे भाउ खे गुरु बाबा असांजो वाहेगुरु बाबा जल्द ॿाहिरि करे वठी ईंदा, असां वाहेगुरु दरबार में इहा प्रार्थना था कयूं साहिब लाइ। रखवाली कंदा त उहो मां हिकु नंढी भेण थी करे उन्हनि जे लाइ दुआ त ज़रूर करे सघंदी आहियां त अचनि ॿाहिरि, असांखे शहर खे सख़्त ज़रूरत आहे साहिब जी। दीदी इन मौके ते कुझु किसो शेयर करणु चाहींदा उन्हनि सां जेको तव्हांजे ज़िंदगीअ जो? क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू दीदी, थैंक यू तव्हां पंहिंजो कीमती समय ॾिनो। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। कमल डेंबा जी असां सां गॾु आहिनि बिल्कुल। कमल जी अॼु सुबुह जो हिकिड़ो व्हाट्सएप ते मैसेज हुयो जी, जेको विरोधी पक्ष नेता हूंदो पंहिंजो मालवनकर दिलीप मालवनकर, हा शिवसेना जो नगर सेवक हूंदो तंहिं टाइम ते 6 सीटूं सिर्फ़ उल्हासनगर में शिवसेना जूं आयूं हुयूं जी। विरोधी पक्ष नेता हूंदे बि अॼु असांजे सिंधी समाज जे लाडले नेता पप्पू कालाणी जी उन जेका लेख लिखियो आहे उहो असां सिंधियुनि जे लाइ जाम वॾी नाज जी ॻाल्हि आहे। न दिलि जो सचो इंसान आहे दिलीप मालवनकर, असां मां तव्हांखे ॿुधायां मंच टीवी जे माध्यम सां हिकु मुलाकात हुननि जी कईसीं, मां हुनखे वाधायूं ॾिनियूं त भई तूं असांजे समाज जे लाडले नेता जे लाइ विरोधी पक्ष नेता हूंदे बि तूं जेका सचाई लिखी आहे उहा क़ाबिले तारीफ़ आहे। बस यही थियणु खपे जिते शहर हिते जी ॻाल्हि आहे सचाई हुजणु खपे। यस बिल्कुल, त इहा हिकदमि सचाई लिखण जी हिकिड़ी ताक़त बि खपे। विरोधी पक्ष नेता जेकॾहिं थी करे असांजे लाडले नेता जी जेकॾहिं साड़ा थो करे त इहा असांजे समाज जे लाइ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे।
न कमल जी बिल्कुल सच्ची था गाल चाहो उन मतलब जया साधवानी जी केड़ी मतलब थोड़े में गागर में सागर चई वही चई पप्पू कालानी इंसान जी इंसानियत वारो जको दर्जो हुंदो आ उनखा जाम मथे आ ए सचमुच मतलब जिन शायद कै वक्त में महसूस न कयो जे उहे हाणे धीरे धीरे इन गाल जो अहसास भी करण लॻा आहिनि त सुठा इंसान त हुया वक़्त ते कम अचण वारा हुया ऐं सभिनी खां वधीक त शहर जी समाज जी जेका वाधारे विकास जी ॻाल्हि हुई उहा उन्हनि खां सवाइ ॼण बिल्कुलु पोएं मतिलबु पंध ते हली वई आहे पोयनि पेरनि ते हली वई आहे हलवनकर साहब उन जे कमन जी भी पूरी उल्लेख कयो आहे जेके सीमेंट ब्लॉक कालानी साहब जेके ठाराया हुया जेके अॼु ॾींहं ताईं हलनि था पिया बिल्कुल उन जी जेके कम जी उन्हनि सारा कई आहे हिकदमि क़ाबिले तारीफ़ आहे मां वरी वरी चवंदुमि दिलीप मालवनकर साहब जे तव्हांजे थ्रू भई उन्हनि खे वाधायूं ॾिनियूं वञनि जे असांजे लाडले नेता जी एॾी सारा कई आहे विरोधी पक्ष नेता हूंदे बि बिल्कुल मंच टीवी की ओर से दिलीप मालवनकर जी हम आपका तहे दिल से बिल्कुल अभिनंदन करते हैं आपने पक्ष विपक्ष न देखकर और पार्टी ए पार्टी बी पार्टी न देखकर आपने जिस व्यक्ति ने काम किया कार्य सम्राट बनके शहर के हित की बात की आपने उनके बारे में लिखा उनको शुभकामनाएं दी सचमुच आप भी सच्चे इंसान है और सच्चाई आपने जो है वो लिखी है प्रस्तुत की है दिलीप मालवनकर जी आपकी सच्चाई को मंच टीवी की ओर से सलाम है कमल जी बियो कुछ चवण चाहिंदा इन मौके ते तव्हां दादी पुतली लालवानी असां सां गॾु आहे दादी नमस्ते नमस्ते कीअं आहियो बिल्कुलु ठीकु दादी सिंधु एडुकेशन सोसाइटी जॾहिं असां ॿार हूंदासीं पढ़ंदासीं त उनजो जेको एस सी एस गर्ल्स स्कूल हुजे एस सी एस खेमाणी स्कूल हुजे या सिंधु एडुकेशन सोसाइटी जा जेके बि स्कूल हुजनि उते हिकिड़ो नालो मतिलबु डिसिप्लिन वारी जेका मैडम आहे दादी पुतली लालवानी सख़्त सुभाउ वारी जेका मैडम आहे दादी पुतली लालवानी ऐं अॼु ॾिसो सिंधु एडुकेशन सोसाइटीअ जे ही मंच सां कनेक्टेड हीअ मंच टीवी आहे जिते सिंधु एडुकेशन सोसाइटी में सेक्रेटरी आहे रेखा ठाकुर जी उहे ई मंच टीवी जी डायरेक्टर बि आहिनि रेखा ठाकुर जी उन्हनि जे हिन अॼु टीवी स्ट्रीम जे शो में असां अॼु मतिलबु तव्हां खां आशीर्वाद बि था वठूं सॼी टीम जे पारां तव्हां वॾा आहियो ऐं एतिरी तव्हांजी उमिरि अञा सदा जी हो अञा वॾी उमिरि माणियो ऐं शहर जी सुठी ॻाल्हि जे लाइ सुजाॻीअ जे लाइ बिल्कुल जनता के सुजाग कंदा रहो आशीर्वाद त वठो दादी तव्हां खां थैंक यू वेरी मच पर रेखा ठाकुर बि जबरदस्त होशियार लेडी आहे जी तमामु होशियार आहे मां हुनखे मञींदी आहियां उन में बि सभु ख़ूबियूं अथव जी उहा हिकु कामयाब औरत आहे जी जेकी छा करणु खपे उहा हुनखे पहिरीं ॼाण आहे इन करे मां रेखा ठाकुर खे बि सैल्यूट थी कयां दादी ॾिसो न हाणे सुबुह खां रेखा ठाकुर मैडम लॻी पई आहे की कीअं बि करे पुतली दादी लालवानीअ खे मां कीअं बि कनेक्ट करायां स्ट्रीम शो में टेक्निकल इशू आहे त उहो बि दूर कयां मतिलबु किथे न किथे तव्हांजे वीचारनि जी बि प्रेरणा खपे न उन्हनि खे बिल्कुलु न पर सच ॻाल्हाइजे त अॼु मॉडर्न जेका आहे सोसाइटी में सिंधी लेडीज़ तमामु घटि आहिनि जेकी एॾियूं हिमत वारियूं आहिनि हीअ हिकु हिमत वारी लेडी आहे इन लाइ मां हुनजी शुक्रगुज़ार आहियां बाक़ी पप्पू कालाणी जे लाइ हुनजा जीन्स ॾाढा स्ट्रॉंग हुया हुनजा माउ पीउ ॿई ज़बरदस्त हुया जेकी शायदि तव्हां न ॾिठा हुजनि पर मां ज़िंदगी जो वक़्तु हुननि सां गुज़ारियो पप्पू कालाणी ज़बरदस्त फिलैंथ्रोपिस्ट आहे फिलैंथ्रोपिस्ट अखर यादि कजो फिलैंथ्रोपिस्ट तमामु घटि माण्हू थींदा आहिनि ॼण जा ॾातार ब्रिस्क अहिड़ो ब्रिस्क माण्हू मां ॾिठो ई न आहे मां बि ज़िंदगीअ में हज़ारे ॿार पढ़ाया पर हिन वटि जेका टैलेंट हुई उहा लाजवाब आहे अॼु बि अहिड़ो टैलेंटेड ॿार मां न ॾिठो आहे अॼु ॾींहं ताईं मां पढ़ाईंदी आहियां हिन खे बि मां अंग्रेजी पढ़ाई हुई पर हिन में जेका ब्रिस्कनेस हुई टैलेंट हुई उहा लाजवाब आहे तव्हांखे जेको मूंखां पुछो आहे भली पुछो दादी लाजवाब शख़्सियत जी ॻाल्हि कयव ऐं लाजवाब शख़्सियत जे जेको आहे पेरेंट्स उन्हनि सां तव्हांजो कनेक्शन रहियो मां अॼु जा जेके नौजवान हा बिल्कुलु मतिलबु अहिड़ो कुझु किसो अहिड़ी काई ॻाल्हि
जेका सचमुच असां ॿुधूं, मतिलबु असां त तव्हांजी जेका ॿार आहियूं, असांजी जनरेशन बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधी करे प्रेरणा बि पाइण थी चाहे। अहिड़ो कुझु किसो दादी पप्पू कालानी जे जीवन मां जेको बिल्कुलु असांजे लाइ प्रेरणा बणिजे। मां ॾिठो त जंहिं कम खे खणंदो हुयो उनखे दिलि सां कंदो हुयो ऐं दिलि सां निभाईंदो हुयो। हुन में शख़्सियत में हिकु वॾे में वॾी ख़ासियत हुई जो सॼी राति सुम्हंदो न हुयो, सुबुह जो वरी 5 बजे रेडी, माना हार्डली 2 कलाक निंड कंदो हुयो। माना इहा हुनजे मथां कुदरत जी रहमत हुई। कंहिंखे बि घटि न सम्झो, हर ज़ात खे एतिरो मथे कयई जंहिंजो को अंत न आई। हे त कुदरती हुन थोरे अरसे में पाण खे एॾो चिमकाए छॾियो जो अॼु बि असां हुनजो जनम ॾींहुं दिलि सां मल्हाए रहिया आहियूं। न त जाम लीडर आया ऐं विया, कंहिंखे कोई यादि कोन्हे। पर ही शख़्स अहिड़ो हुयो जंहिं हिकु हिकु जे दिलि ते राज कयो। अॼु बि नंढा ॿार हुनखे वधीक प्यार कंदा आहिनि ऐं नंढा ॿार चाहींदा आहिनि काश मां बि पप्पू कालानी। इहा हुन लाइ वॾे में वॾी सौगात आहे जो नंढा ॿार बि जेॾी महिल हलंदो आहे जीअं जीअं पप्पू कालानी रोड ते नचंदा आहिनि, रोड ते नचंदा आहिनि, पंहिंजे घरनि में नचंदा आहिनि, माना इहो जे गानो लिखियो आहे उनखे बि शाबाश आहे। बिल्कुलु हिकिड़ी सैल्यूट आहे शख़्स खे जंहिं सिंधी ज़ाती पैदा कयो ऐं कालाणी परिवार उहे बि सिंधियुनि में तमामु मथे आहे जो असांजो हेमू कालाणी जो जंहिं क़ुर्बानी ॾिनी जॾहिं आज़ादीअ राज में। त हिन करे कालाणी खे कुदरत जी का रहमत बिल्कुलु। कॾहिं कॾहिं दादी ईअं काइनात में ईअं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि न, पोइ असां चवंदा आहियूं की पहिरीं हीअ ॻाल्हि थी की पहिरीं हीअ ॻाल्हि थी। ईअं ई तव्हां गाने जे लाइ चओ था, इहो जेको गीत चओ था न के जेको आहे जीए जीए पप्पू कालानी ॿार ॿार नचंदा आहिनि ऐं जंहिं लिखियो आहे उनखे बि शाबस आहे। पर मां त चवंदो आहियां की पहिरीं उहो कार्य थियो हूंदो पोइ गीत लिखिजो हूंदो, पहिरीं गीत लिखिजो हूंदो पोइ त कार्य थियो न हूंदो। मतिलबु अगरि हुन गीत में चयो थो वञे के घिटी घिटीअ घर घर खे स्वर्ग थो बणाए, ज़रूरु स्वर्ग बणायो हूंदई तॾहिं त गीत लिखियो वियो न। ऐं वाकई उहे नज़ारा हुया, घिटी घिटी घर घर स्वर्ग थी वियो हुयो दादी, उहे नज़ारा हुया सचमुच तॾहिं त असां हुनखे। हा मूंखे यादि आहे त सीरू चौक वारो जेको रस्तो आहे इहे जेको आहे हुन ओॾीमहिल ओॾीमहिल टोड़ाए करे दुकान, उन वक़्ति लालू ॾाढो मशहूरु माण्हू हो, इहो सॼो रस्तो ठाहे पहिरियों पहिरियों कमु इहो कई। ऐं वाकई आहे अॼु उन रोड जे करे ट्रैफिक केॾी सहुलियत आहे, माना इहो पप्पू कालानी जय ॾींहुं हिमत कई जो हितां इहो नओं रोड ठाहियईं। चाहे जेको असांजो हिते आहे हिन जे बाज़ारि जेका आहे फर्नीचर बाज़ारि में जो रोड आहे इहो बि जेको रोड ठाहियईं ज़बरदस्त ठाहियईं, माना इहा हिनजी हिमत हुई। हिन वधि में वधि रिलेशन रखिया मथे, इहा वॾी ॻाल्हि हुई। न त हुन खां अॻे कोई बि अहिड़ो शख़्स न हो जो रोज मंत्रालय वञे ऐं मंत्रालय सां एॾा रिलेशन रखे, माना इहा हिन जी हुई हिमत, क़ुर्बानी, शख़्सियत जो उन्हनि सां वञी करे रस्तो रखे। मुंहिंजो पहिरियों पंहिंजो शक्ति कमु हो, असां वियासीं मंत्रालय में, सुशील कुमार शिंदे पाण एप्लीकेशन लिखी, माना एॾी हुनजी हिमत हुई। जीअं असां लता मंगेशकर खे नथा विसारे सघूं तीअं असां हिनखे बि विसारे न सघंदासीं। बिल्कुलु बिल्कुलु गीत आहे दादी हिकिड़ो, बिल्कुलु उहो पप्पू कालाणीअ लाइ समर्पित था कयूं। वरी बि शाबाश ज्योति कालाणी गया जंहिं उनखे एॾो संभालियो आहे, उनखे बि सैल्यूट आहे, उनखे बि सैल्यूट आहे, शाबाश अथसि जो असांजी सिंधी लेडी एॾो पंहिंजे पाण ते हिमत सां हले, उहा हुनखे शाबाश।
तांजो जज्बात आ दादी बिल्कुल इन ही जज्बात सा तांजो शुभकामनाओं वठंदे मंच टीवी जे पारा सा तवा के तहे दिल शुक्रगुजारी ता कयूं दादी थैंक यू वेरी मच ता पे दिलीप मालवंकर जी सर कैसे हैं आप दिलीप जी आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ आपका जो मोबाइल है या जो भी सोर्स है उसको सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए म्यूट है वो दिलीप जी आपके आपका मोबाइल या जो भी सोर्स है ना उसको जो है अनम्यूट कर दीजिए नहीं वो आपको जो साइन दिख रहे हाँ अभी ठीक है कैसे हैं आप दिलीप जी बहुत ठीक है सब ठीक सर एकदम सर आपके मतलब आपकी उपस्थिति नहीं है फिर भी आपकी बात हमने मंच टीवी के इस मंच पर की इस लाइव स्ट्रीम शो में की कि दिलीप मालवंकर कैसे सच्चे इंसान है के उनको प्रोत्साहित बिल्कुल करते हैं जिन्होंने सचमुच शहर हित के लिए कई सारे कार्य किए हैं विकास का कार्य किया है मतलब आप चाहे किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन फिर भी आपने उनको बिल्कुल अप्रिशिएट किया है प्रोत्साहित किया है जिन्होंने शहर के लिए काम किया है आपने उनके बारे में लिखा है और मैंने तो अभी अभी आपकी बात निकली तो मैंने कहा दिलीप मालवंकर खुद जो है वो मन के सच्चे इंसान है तो जो उनके मन में होगी बात बस वही उन्होंने लिखी होगी और कही होगी हाँ सच्चाई लिखना अपना फर्ज है ना यस 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 सर लाइव स्ट्रीम शो में आपका स्वागत है आज पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ उनके जीवन की बातें भले ही आप उनके पक्ष में रहे हो या विरोधी रहे हो या फिर जो भी सच्चाई आपने देखी होगी सर वो दो शब्द आपके चाहेंगे नहीं पप्पू कालानी के बारे में मैंने आर्टिकल पब्लिश किया आपने पढ़ा होगा जी जी सर मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा आपने शायद जी सर वही वही बात निकली ना आर्टिकल के ऊपर ही बात निकली कि आपने जो लिखा है हाँ सभी बातों का जिक्र किया है जी। और उनके जो प्लस के जो शहर हित में कार्य किए उसकी सराहना भी की है सुन रहे ना हाँ जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर ऐसा विरोध व्यक्ति को नहीं रहता प्रवृत्ति को रहता है जो काम अच्छा करता है उसको हम के ऊपर बिठाते हैं उसका सराहना करते हैं उसको वंदन करते हैं और ऐसा शहर के हित में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं उसकी मैंने बार बार सराहना की है मेरा आर्टिकल लिखा है शायद कल पब्लिश हो जाएगा जी सर आपने आपने जो हाँ जी जी बोलिए दिलीप जी शहर का विकास के लिए जो उन्होंने उनकी दृष्टि थी उन्होंने जो कार्य किया था वो परंपरा उनका उनके पास खंडित हो गई जिसको मुझे दुख होता है उनकी जो दृष्टि थी उनकी जो काम करने की लगन थी उतनी लगन अभी नहीं दिख रही है क्या मतलब कितनी कड़वी सच्चाई आपने कह दी कि जो शहर के विकास की परंपरा उन्होंने शुरू की वो परंपरा ही खंडित हो गई है मतलब कितनी कड़वी सच्चाई है सर बराबर है उसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि बाद में विकास कार्य नहीं हुआ है अभी मैंने एक विकास निकाल दिया था पप्पू कालानी जी ने जो रोड बनाए थे वो 30 साल तक खराब नहीं हुए और यहाँ पर कल के अंदर दुकान रिपेयरिंग करना पड़ता है 30 साल कहाँ और यहाँ 30 दिन में रिपेयर करना पड़ता है ऐसी बात हमने मंच टीवी के माध्यम से कितनी बार अभी हमारा दर्पण झूठ ने बोला एक स्ट्रीम शो चल रहा है सर जिसमें हमने प्रोमो में ही कहा है कि यहाँ के शहर में सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़कें पता ही नहीं पड़ता नहीं पहले क्या मालूम है दाल काला रहता था अभी पूरी दाल काली हो गई है पूरी अभी जो दाल का वो इतना है कि हद से ज्यादा बढ़ गया है और उसके लिए मैं बार बार जंग करता हूँ अन्याय विरोधी संघर्ष समिति की ओर से कई बार मैंने आंदोलन किया है कि शहर के हित के आर आप बात लाइए ये मेरी राय रहती है और कहना
और सर ये पत्रकार तो बिल्कुल पत्रकार की भाषा ही ऐसे मतलब सच्चाई की होती है और भले कटु लगे भले कड़वी लगे मतलब बहुत आपने घाघर में सागर वाली बात कही कितनी छोटी सी बात में आप बड़ी बात कह देते हैं कि अब दाल में काला नहीं रहा पूरी दाल ही जो है वो काली हो गई है। अब करना क्या चाहिए सर इस दाल को जो है इस दाल के पतीले को ही फेंक देना चाहिए दूसरी दाल चढ़ानी चाहिए करना क्या चाहिए सर क्या परिवर्तन संसार का नियम है जी। जब भी पत्ते भी झड़ जाते हैं आप देखते जी पत्ते जब भी पुराने बिना काम के हो जाते तो वो भी पेड़ झाड़ देता है नए उगते हैं तो ये जो पुराने भ्रष्ट जो नेता लोग हैं उनको रिप्लेसमेंट नई पीढ़ी से आनी चाहिए और साफ सुथरी छवि वाले लोग यहाँ पर आने चाहिए राजनीति में जो अपना स्वार्थ से ज्यादा शहर का हित ज्यादा देखे। बिल्कुल 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 आपने भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कितने जो है आंदोलन किए एक और शख्सियत आपके साथ हमारे मंच पर लाइव स्ट्रीम पर आई हुए सतराम दास जेसवानी कितने तो इन दिनों में जो कितने तो इन दिनों में जो आंदोलन हुए हैं वो आप दोनों के नामों से ही चर्चा में है दिलीप मालवंकर सतराम दास जेसवानी कई सारे आंदोलन जो है इन दिनों में सच्चाई के आंदोलन जो है आप दोनों के नामों से दादा सतराम दास जेसवानी तव्हांजो स्वागत है सर दादा सतराम दास कीअं आहियो सर तव्हांजी आशीष तव्हांजी दुआ सर दिलीप मालवंकर जी भी आयन उहा ई ॻाल्हि पिया चवनि के जो सच्चाई है वो सच्चाई है पहले जो है दाल में काला कभी कभी देखते थे अब तो पूरी दाल ही काली हो गई है तव्हांजो इन बारे में छा वीचार आहे सर साहब जी मैं आपको बताऊं जी 1995 में जब बाबी अध्यक्षा थी तभी मालवंकर साहब जी और मैं दोनों नगर सेवक बने थे 1995 में तो मैंने इनका काम की देखा है मैंने इनका काम इनकी स्पीच भी सुनी है और सही सच्चे आदमी है मालवंकर जी मैं उनको नमस्कार करता हूं धन्यवाद देता हूं शुक्रिया शुक्रिया जी साहब जी मेहरबानी सतराम दास जेसवानी जी पप्पू कालानी के मतलब आप शुरू से साथी जब भी इलेक्शंस हुए पार्टियां बदली नाम बदली हुए पार्टियों के फिर पप्पू कालानी अपक्ष खड़े हो पार्टी में खड़े हो मतलब आपने वो जो पप्पू कालानी एक तो मतलब आपने सच्चाई और लोगों को ये प्रेरणा दी कि दामन जो है वो पकड़ के रखना चाहिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए और फिर दूसरे आपने जो आपने अपने कार्यों की पकड़ अपने वार्ड में रखी आपके कार्यों की पकड़ वहां पर रही फिर किसी भी पार्टी से आप वहां वहां जो है वो लड़े आप आज तक चुनकर आए हैं ऐसे में आज पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष में आप पप्पू कालानी की किन बातों को याद रखेंगे शहर के विकास की किन बातों को याद रखेंगे साहब जी मैं आपको जी जी सर मैं आपको बताऊं कि मैं सर 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 थोड़ा सा मोबाइल आप दूर रखिए इंटरप्ट करता हूं थोड़ा सा मोबाइल यहाँ हाँ बस सर ठीक है हाँ बोलिए सर मैं बचपन से समाज सेवा करने वाले परिवार में से हूँ तो बचपन से देखते आता हूँ कि कैसे सही लोग सेवा करते हैं उनके पास से सीखते समाज सेवा सीखना पूरा किया है या कोशिश कर रहा हूँ तो समाज सेवा करते करते मैंने बहुत बरस इसमें निकाले हैं हमने जो जब से पप्पू कालानी साहब जी के काम को शैली को देखा तब से हम लोग उनके ऊपर फिदा हैं उनके काम को हम पसंद करते हैं इसलिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं काम करने वाले लोगों की शैली अगर हम देखते हैं तभी तो हम खुद भी ऐसे ऐसे नाम करते हैं ना आपका भी तो नाम मैंने कहा कि आपके वार्ड में कहें या पूरे शहर में कहें कि सतराम दास जेसवानी सिर्फ काम की वजह से जाने जाते हैं मतलब वो रिश्वतखोरी दूसरे वार्डो में आपको दिखती होगी लेकिन सतराम दास जेसवानी को अगर वहां रिश्वतखोर या फिर वोटर्स को पैसे देना उसकी वजह से कहीं अगर आपने नाम सुना होगा तो वो सतराम दास जेसवानी नहीं है सतराम दास जेसवानी कार्य की वजह से जाने जाते हैं तो यही तो आपने भी कार्यशैली से सीखा होगा सर
साहब जी हमने कालानी साहब से ही सीखे है ना, हमने जब जब उनके सामने शहर की समस्या लेकर गए, जब जब हम उनके सामने वार्ड की समस्या लेकर गए, तो उन्होंने बड़ी मेहनत कर उन समस्याओं को दूर किया है, जिस कारण उनकी आशीर्वाद बनी रही है, जिस कारण लोगों की भी आशीर्वाद बनी रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां मैं रहता हूं वहां है अब उल्लासनगर 5 लाल चक्की, लाल चक्की से लेके कैलाश कॉलोनी, यहाँ 30 बरस पहले ये रोड बनाया गया था सीमेंट का, वो रोड आज तक वैसा ही का वैसा पड़ा है। अगर उस रोड को तोड़ना पड़ता है तो हमें जेसीबी लानी पड़ती है। आप सोचिए अगर 30 बरस पहले बना हुआ रोड आज इतना आज तक इतना मजबूत है, तो उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उनके साथियों ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ यह रोड नहीं, मैं और एक रोड आपको बताऊं, जो अपने स्वामी जी का पुतला है नेताजी पे, वहां से एक रोड जाता है मराठा सेक्शन मुझे लाल चक्की की तरफ, लाल चक्की मुझे उल्लासनगर 4 की, वो रोड भी तब बना है हरीश लाल ज्ञानचंदानी के कहने के कारण, वो भी रोड आज तक इतना मजबूत है। तो यह रोड ही बताते हैं कालानी साहब की काम करने की तरीका क्या था और कैसे खुद खड़ा रह के रोड बनवाते थे। मैं तो एक छोटी सी बात में सब बात कह जाऊंगा, वो उल्लासनगर के विधायक भी थे और हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे महानगर पालिका में, भाभी जी भी अध्यक्ष भी रही हैं, महापौर भी रही हैं, स्थायी समिति सभापति भी रही हैं। तो हमारे शहर के जो कालानी साहब थे, एक ही अक्षर में शहनशाह थे, जैसे शहनशाह फिल्म देखी, उनके काम का तरीका देखा, ये भी शहनशाह है, इसमें सब आ गया। धन्यवाद धन्यवाद सतराम देसा जी, मेरे हिसाब से धन्यवाद, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे यस यस, आपने आपने समय दिया, शहर में आने चाहिए, हमारे शहर में आने चाहिए, शहर की सेवाएं करनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सतराम दास जेसवानी, दिलीप मालवंकर जी, इन्होंने शुभकामनाएं दी, सच्चाई की बात कही इन्होंने, कहा आप देख रहे होंगे कि जो जो व्यवस्था से जुड़े, शासन प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं, वो अब के हो या पहले के, उन्होंने एक ही बात कही कि पप्पू कालानी के शासन काल में जो है उनके कार्यकाल में बने हुए रोड्स आज भी जेसीबी मंगवानी पड़ती है ऐसे रोड्स को कहीं तो भी रिपेयर या ब्रेक करवाने के लिए। और आजकल के रोड्स देखिए, रास्ते देखिए, बनते कल है और आज वो बिगड़ जाते है, ऐसे आज जो है खस्ता हालत है। मेरे समक्ष नीलेश वाघ हैं, जो कि हमारे दोस्त भी हैं और बिल्कुल ऑनलाइन वो भी पप्पू कालानी को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं शायद स्क्रीन पर वो टेक्निकली कैसे हैं नीलेश जी, नीलेश जी कैसे हैं आप, आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही आपको आवाज में हमारी, आपकी आवाज? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब आ रही आपकी आवाज। हाँ बोलिए सर। हेलो, का वीडियो ऑडियो जो है वो ऑन ऑफ जो है वो लैगिंग हो रहा है। हाँ नीलेश जी, हाँ नीलेश जी, ये मोबाइल में से आप अपने हेडफोन्स मोबाइल में से निकाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन के जो कनेक्शन है वो बराबर नहीं है, हेडफोन्स निकाल दीजिए सर, हेडफोन्स मोबाइल में से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। जी कार, हाँ जी, एक सेकंड, कैसे हैं नीलेश जी? एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा शोर है, मैं आपके लिए थोड़ा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। हाँ सर, हाँ अभी आप बिल्कुल आ रहे, मतलब ये तो लाइव स्ट्रीम शो है ना नीलेश जी, एकदम नेचुरल वॉइस, थोड़ा बहुत शोर भी हुआ तो चलेगा, लाइव स्ट्रीम शो दुनिया के लोग जानते हैं, देखने वाले लाइव स्ट्रीम शो में नेट का इश्यू भी होता है। कैसे हैं आप? बरोबर ठीक है सर, एकदम सब ठीक है, बढ़िया हूँ। आज
आज पप्पू कालानी जी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष में मंच टीवी की ओर से हमने ये लाइव स्ट्रीम शो रखा है। और आप भी जो है शुरू से फिटनेस ट्रेनर जो है, यहाँ खेमानी पर ही आपकी जो है एक ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे मैं भी आपसे मिलता था, याद होगा आपको? जी हाँ सर, यार अरे क्यों नहीं याद हो सर, आप कभी जिंदगी में नहीं, मैं आपको भूल ही नहीं सकता जिंदगी भर। यस नलेश जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज पूरी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो, से आप उनको जानते हैं या उनके करीबी? अरे यार ये कैसे होगा, चैट में लिखो ना कुछ। अभी आ रही है आपकी आवाज नीलेश जी? कुछ तो नेटवर्क इशू है, मैंने आपको बताया कि नीलेश वाघ थे और ये जो है फिटनेस ट्रेनर हैं। और मैं आपको बता दूं कि खेमानी पर कई वर्ष पूर्व इनका फिटनेस सेंटर हुआ करता था, अब भी फिटनेस सेंटर ही चलाते हैं। और उस समय में भी क्योंकि पप्पू कालानी के बंगलों के पास ही जो है जिस इमारत में इनका फिटनेस सेंटर था वहां इनका संपर्क बिल्कुल रहता था। तो नीलेश वाघ जी भी हमारे साथ जुड़े और कई और व्यक्ति होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज हमने इसी पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये विशेष शो रखा है और मैं कहूंगा स्ट्रीम टीम से कि एक वीडियो जो है वो प्रमोशन वीडियो यहां पर स्क्रीन करें और तत्पश्चात देखेंगे कि और कौन। घर घर के स्वर्ग को बनाए, घिटिया घिटिया घर घर के स्वर्ग को बनाए।
यस, तो देख रहे हैं आपके किस तरह से पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष में हमें शुभकामनाएं और संदेश जो है शहर के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न शख्सियतें दे रही हैं, और लाइव जो है हमारा शो जो है वो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर मंच टीवी और कोणार्क न्यूज ये आप सब्सक्राइब करें, और कभी भी इस तरह के शोज की सब्सक्रिप्शन करने पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप भूले ना कि यूट्यूब पर आप मंच टीवी और कोणार्क न्यूज सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, मंच टीवी और कोणार्क न्यूज। आज हमारे साथ कई शख्सियतें जो है इस लाइव स्ट्रीम शो पर हैं और पप्पू कालानी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नीलेश वाघ जी, जिनका के जो है कनेक्शन कहीं ना कहीं नेटवर्क इश्यू की वजह से जो है टूट गया था संपर्क, अब फिर जुड़ गया है। नीलेश वाघ जी ऑन स्क्रीन प्लीज। हाँ सर बोलिए। यस नीलेश जी, हेलो, ऑल फाइन सर बोलिए। हाँ आवाज आ रही है, सब ठीक है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के इस मौके पर आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आपका उनके साथ संपर्क, उनके साथ संबंध कैसा रहा, हम ये जानना चाहेंगे। सर मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, और ऐसा एक दिन या ऐसा एक महीना या हफ्ता नहीं जाता कि मुझे उनकी याद नहीं आती। बेसिकली मैं उनके बहुत क्लोज रहा हूँ, उनका फिटनेस ट्रेनर रहा हूँ, उनका ज्योति भाभी का, सीमा, उनके जो बड़े भाई है नारायण साहब, उनकी बेटी का, बेसिकली उनके फैमिली के बहुत नजदीक जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। सुबह चाय पे उनके साथ बैठता था, एक्सरसाइज के बाद थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की चर्चा होती थी। मैं तो कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ ना कुछ टिप्स दिया करते थे, आप ये करो आप ये करो। आज मैं पछता रहा हूँ कि मैं उनके साथ पॉलिटिक्स से क्यों जुड़ा नहीं, क्योंकि जो स्पार्क मुझ में है अभी भी, सच्ची उस वक्त मैं ज्वाइन करता ना सर, आज शहर को हिलाने की ताकत रख सकता था। नहीं बिल्कुल, वो तो उनकी ताकत, वो जैसे करंट पास होता है ना, वो एक बटन थे, स्विच ऑन करो। हाँ, उनकी एक रेकी किया करते थे वो, एकदम परफेक्टली उनकी नजर में एक एक छोटी छोटी चीज वो देखा करते थे सामने वाले इंसान पे, शार्प माइंड, ही वाज एक्सीलेंट सर। जो भी हो, ऐसा कोई जन्मदिन नहीं है जब मैं उनका फोटो पोस्ट नहीं करता हूं अपने फेसबुक पर। हेलो हेलो सर, दीपक सर आप लाइन पर हो? हेलो हेलो दीपक सर, जब आए तो घर घर
गुजरा जेसवानी जी हैं तो भले मैं शुरू हो जाऊं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुनने वाले देखने वाले मुझे सुन सकते हैं देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम शोज निरंतर जारी है, चाहे कितने ही बाहर जो माहौल है और एटमॉस्फेयर में कभी कभी इंटरनेट इश्यूज आ जाते हैं, ये सब लाइव स्ट्रीम शोज के टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, कभी हम लोग इंटरप्ट हो जाते हैं लेकिन फिर कंटिन्यू हो जाते हैं। हमारे कई गेस्ट बैक स्टेज हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं आप सभी से मुखातिब होने के लिए लाइव स्ट्रीम पर फेसबुक और यूट्यूब पर। आप हमारे मंच टीवी कोणार्क न्यूज के पेज पर और चैनल पर देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को। आप हमेशा जब भी हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी मंच टीवी के कार्यक्रम को देखना चाहें तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मंच टीवी और फेसबुक पर भी फॉलो करें हमारे पेज को, मंच टीवी के पेज को, और कोणार्क न्यूज के भी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। कोणार्क न्यूज चैनल आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे इस लाइव स्ट्रीम शो में अब हम मुखातिब हो रहे हैं एडवोकेट गोजरा जेसवानी जी जो कि बैक स्टेज है और वो बिल्कुल ऑन स्क्रीन आएंगे। मैं हमारी स्ट्रीम टीम से जो कि जयश्री कारवानी जो है वो यहाँ पर लाइव उन्हें लाएंगी एडवोकेट गोजरा जेसवानी। मैं आप आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव स्ट्रीम शो, टेक्निकल इश्यूज जो है वो इंटरप्ट कर रहे हैं लेकिन फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे जब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो भी मेरा कनेक्ट हो रहा है, लैगिंग हो रही है, कभी वीडियो जो है कनेक्ट हो रहा है, ये सब इंटरनेट के इश्यूज है। इसमें आप देखिए लॉकडाउन के इस पीरियड में जब कोरोना महामारी चल रही है तब हम जो है अपनी प्रस्तुतियां सामने आकर कभी स्टेज पर आकर नहीं दे सकते हैं लेकिन लाइव स्ट्रीम शोज के माध्यम से देते रहते हैं। लाइव स्ट्रीम शोज में भी इंटरनेट के इश्यूज आते हैं, इंटरनेट के इश्यूज कभी हमारे पास हो सकते हैं, कभी आपके पास हो सकते हैं, कभी जहां से स्ट्रीम हो रहा है वहां हो सकते हैं, कभी बाहर माहौल में एटमॉस्फेयर में भी ये इश्यूज हो सकते हैं। तो बहरहाल मैं इस बात की कामना कर रहा हूं कि मैं अपने आप को अपनी स्ट्रीम में दिखाई दे रहा हूं, मुझे अपनी वीडियो ऑडियो दिखाई दे रही है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी वीडियो ऑडियो आप तक पहुंच रही है क्या? आप अपने कमेंट के माध्यम से बिल्कुल हमें जो है वो बता सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ जो है एडवोकेट बोजरा जेसवानी जी जुड़ चुके हैं और हम उनको स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। मैं जयश्री जी से कहूंगा कि उन्हें ऑन स्क्रीन लाएं। एडवोकेट बोजरा जेसवानी बहुत ही जो है शहर में जाने माने एडवोकेट हैं, उनकी भी कनेक्शंस जो है वो बिल्कुल जुड़ रहे हैं और अभी अभी स्क्रीन पर मुझे तो दिखा। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड ऑल गुड सर। फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं तो बिल्कुल आपके टेक्निकल वर्ड्स को कोई कोई मान्य न करे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। एडवोकेट बोजरा जेसवानी जो कहे वो सही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया सर। आपकी भी बिल्कुल इस शहर में जानी मानी शख्सियत है आप, और कानून के मद्देनजर देखा जाए, एडवोकेसी के मद्देनजर देखा जाए तो पूरे शहर के लोग जो है आपके नाम को, आपकी शख्सियत को जानते हैं।
आज जिस शख्सियत के बर्थडे के उपलक्ष में हम यहाँ स्ट्रीम शो में बात कर रहे हैं, उस शख्सियत के साथ भी आपका जुड़ाव, आपके कनेक्शंस, आपका संबंध, यहाँ तक कि लोग अपनी चर्चाओं में भी आपके संबंधों को लेते हैं, उस शख्सियत पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष में आज आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं पहले पहले तो भाव को बधाई दूंगा, जन्मदिन की बधाई दूंगा, और एक बात कहना चाहूंगा कि ये शहर को ऐसे इंसान की जरूरत थी और जरूरत है। आज भी बाहू की उलादनगर में बहुत जरूरत है, लोग परेशान हैं, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी आप पर्सनली मिलेंगे तो मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। जी 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 जसवानी सर, इन दिनों में जब वो शहर में नहीं है और मतलब पॉलिटिकल कंस्पिरेसी कहें, कई कई जो है बुद्धिजीवी जिन्होंने बात की आज स्ट्रीम शो में, वो तो यही कहते हैं कि पॉलिटिकल कंस्पिरेसी की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मतलब कानूनी प्रक्रियाओं के चलते कहीं ना कहीं आपका तो उनसे मिलना होता ही होगा। हाँ, मेरा मिलना होता है। मैं अभी 2-3 महीना पहले भी जेल से होके आया था, बाबू से मिल के आया, और एकदम फिट और फाइन है, हेल्दी है, मेंटली इज आल्सो फिट। और उनका जो वहां पे रहना सहना है, योगा करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, तो मेंटली तो ये बंदा फिट है ही है, लेकिन फिजिकली ही आल्सो ही इज क्वाइट फिट पर्सन। यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग के उनको तो मतलब अपने बारे में वो इतने मतलब अपनी विचारधारा को इतने इतना अटल बना दिया है उन्होंने, स्वस्थ। मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, मैं जब भी गए हूं तो शहर के बारे में उन्होंने मेरे से बहुत बार चर्चा की है और मेरे से पूछताछ करते रहते हैं कि शहर कैसे चल रहा है, ये बंदा कैसे काम कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो आज भी भले भाऊ हमारे साथ नहीं है, फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, लेकिन मेंटली अभी भी हम लोगों के साथ में ही है। और मुझसे तो मैं आज अंदर जाने के बाद मैं 10-12 बार तो मैं उनसे मिलके आया हूं, तो शहर के बारे में उनको आज भी बहुत बहुत चिंता है कि शहर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज हमको लग रहा है कि अगर भाऊ हमारे साथ होते तो शहर का नक्शा ही और होता। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। जो आपने कहा पॉलिटिकल, ये मैं पॉलिटिकल की बात तो बराबर है, देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। अभी पब्लिक को तो, आज की पब्लिक बहुत होशियार है और पब्लिक को तो पूरी जानकारी है। नहीं सर, है ना, पब्लिक को और इस शहर को उनकी सख्त जरूरत है। वो तो चलिए अपने आप को स्वस्थ रखना जानते हैं, अपने आप को फिजिकली मेंटली कैसे उनकी तो जो मतलब नियमित जो अपने साथ लागू उनकी क्रिया प्रतिक्रिया है सब जानते हैं कि पप्पू कालानी बाय माइंड हमेशा फिट रहते हैं, इसलिए बाय फिजिक्स भी उनको जो है सबने फिट देखा ही है। कहीं उनको कोई मतलब निजी तौर पर उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन नहीं। उनकी उपस्थिति शहर में न होना शहर के लिए सचमुच एक कमी है सर, और वो जिस तरह से शहर को याद करते हैं तो शहर तो उन्हें बिल्कुल आज मिस करता है सर, आज इस जन्मदिन के मौके पर। बरोबर, ये बात तो हकीकत है सर। आपके साथ उनका जो जुड़ाव रहा है वो कुछ बातें शेयर करके आज इस जन्मदिन के मौके पर उनको शुभकामनाएं देते हुए शहरवासियों को क्या संदेश, क्या प्रेरणा के दो शब्द आप कहना चाहेंगे? मैं भाऊ के साथ 1986 से जुड़ा हुआ हूँ, 1986 से मैं उनके सब मैटर हैंडल कर रहा हूँ,
और जितने भी पेंडिंग केसेस भी है वो सब वो केसेस मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। शहरवासियों के लिए तो ये दुख की बात है कि भाव अंदर है, भाव फिजिकली हम लोगों के साथ में नहीं है, तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि शहर वाली शहरवासी तो उनको मिस कर ही रहे हैं, हम लोग खुद भी मिस कर रहे हैं। अभी संदेशा क्या देना है, भगवान को प्रेयर करें कि जल्दी में जल्दी भाव हमारे साथ हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इस बात में भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बस और क्या चाहिए। अगर शहर सचमुच उन्हें मिस कर रहा है और उनके जैसे युग पुरुष जो है, मैंने कहा कि जो है वर्षों वर्षों तक लोग उन्हें याद करते हैं, याद करते रहेंगे। शहर के नक्शे कैसे बदल गए, शहर का विकास कैसे हुआ, इन सारे नज़ारों से पप्पू कालानी जी याद आ जाते हैं। और बस आपने थोड़े में जैसे मतलब छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रेयर कर रहे हैं आप, प्रेयर कर रहे हैं शहर के सब लोग कि जल्दी वो हमारे शहर में आ जाए, जल्दी हमारे बीच, हमारे शहर के विकास की बात कहें। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच है चंदन तिलोकानी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और कई और शख्सियतें हैं, मैं टीम से जानना चाहूंगा कि कौन कौन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में, पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन कौन और शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। और ये जो है निरंतर शो जारी रहेगा, इस बीच हम कुछ वीडियोस भी देखते रहेंगे। मैं प्रमोशन वीडियो के लिए कहूंगा जयश्री जी से कि वो एक प्रमोशन वीडियो चलाएं और फिर और अन्य जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चंदन जी आ गए हैं हमारे साथ, बिल्कुल। ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं कि चंदन तिलोकानी जो है वो उनकी जो लिंक है, उनकी जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। नेट के इश्यूज आज मैं समझता हूँ बाहर जो है वो कुछ तो भी कंजक्शन नेट की बहुत ज्यादा ही हो रही है, लेकिन फिर भी हम निरंतर जारी रखे हुए हैं इस शो को। 12 बजे से हमने शुरू किया है और लगभग 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और इस शो को हमने निरंतर जारी रखा है। कई हमारे सम्माननीय अतिथि बुद्धिजीवी आ रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम शो में और अपनी इच्छाएं भी व्यक्त कर रहे हैं कि आज शुभकामनाएं देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं इस लाइव स्ट्रीम शो के माध्यम से। तो देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम शो में और कौन जुड़ेगा। तब तक मैं जयश्री जी से कहूंगा कि कनेक्टिविटी अगर कहीं ना कहीं जुड़ने की जो है विलंब हो रहा है तो वीडियो जरूर जो है प्रमोशनल वीडियो ऑन स्क्रीन चलाएं और फिर कनेक्टिविटी को देखते हुए अन्य गेस्ट को भी हम आपके समक्ष लाएंगे।
जिए 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 पप्पू कालानी। चंदन तिलोकानी जी हमारे साथ देखते हैं लाइव स्ट्रीम शो पे। मैं स्ट्रीम टीम से कहूंगा कि उन्हें जोड़ दें फिर से, पहले कनेक्टिविटी की जो है प्रयास हमने की थी। चंदन तिलोकानी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ेंगे और अपनी ओर से शुभकामनाएं देंगे पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो कई सारे अतिथि आज हमारे साथ जुड़े और कईयों ने जो है अपनी शुभकामनाएं कमेंट्स के माध्यम से दी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम शो पर। अगर आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम भी देखने हैं, मंच टीवी के विभिन्न कार्यक्रम, तो मंच टीवी को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और मंच टीवी का पेज जो है वो फेसबुक पर फॉलो करें और कोणार्क न्यूज के पेज चैनल को भी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम दर्पण झूठ न बोले हैं, दर्पण झूठ न बोले के कई सारे विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग एपिसोड प्रस्तुत हो रहे हैं इन दिनों। तो दर्पण झूठ न बोले इस कार्यक्रम को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मंच टीवी के कार्यक्रम में, कोणार्क न्यूज के कार्यक्रम में। तो आइए जो है आज पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी टीम से जो है फिर से जुड़ जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या यस और कुछ गेस्ट बैक स्टेज हैं तो हम उन्हें मंच पर बुलाएं और तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम को वाइंड अप करें। चंदन तिलोकानी जी को अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कनेक्टिविटी फिर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी मुझे स्क्रीन पर दिख रही है फिर मिस हो रही है, नेटवर्क का इशू है, लेकिन आप वो सब समझते हैं। लाइव स्ट्रीम पर जो भी लोग इन दिनों कार्यक्रम देखते हैं आप कनेक्टिविटी को बिल्कुल भली भांति से जानते हैं। बहरहाल पप्पू कालानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष में आज सभी ने जो बातें की वो सच भी है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष में उनको सही शुभकामना यही होगी कि शहर के विकास की बात हम सोचें, आज उनके शहर के बीच होने की, उनके शहर के बीच उपस्थिति की बात हम कितनी पॉसिबल माने और कितनी ना माने, इन सब बातों को साइड कर आज अगर हम उनके जेल में रहते भी जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें देते हैं और उन्हें कार्य सम्राट मानते हैं, उनके कार्यों को अपने शहर के लिए प्रेरणा मानते हैं, तो उनके लिए सच्ची भेंट, सच्ची गिफ्ट, सच्ची जन्मदिन की शुभकामना यही होगी कि शहर के विकास की बातें सोचें, करप्शन से, रिश्वतखोरी से इस शहर के संबंधित जिम्मेदार लोगों को रिश्वतखोरी से दूर रहकर, करप्शन से दूर रहकर और शहर के सुशासन की बात सोचकर, शहर के विकास की बात सोचकर प्रयास करने चाहिए, यही शुभकामना होगी। अगर सचमुच आप पप्पू कालानी को कार्य सम्राट मानते हैं, सचमुच ये मानते हैं कि उनके कार्यकाल में शहर में कई सारे ऐसे हित के, शहर की व्यवस्था के और शहर के जो नजारे जो है सुंदर नजारों की बात हो रही थी, तो वैसे नजारे फिर क्यों नहीं होते? कहां कमी रह गई आपकी सोच में, कहां कमी रह गई आपके कार्यों में, कहां कमी रह गई इस शहर के शासन प्रशासन से संबंधित लोगों के बीच? कहीं ना कहीं और पार्टियों से भी उम्मीद, सभी पार्टियों से उम्मीद, कहीं ना कहीं उम्मीद उनके सुपुत्र ओमी कालानी से, टीम ओमी कालानी से। बहरहाल मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगा कि यस, तो इशारा मिल चुका है कि हम अपनी कार्यक्रम को जो है यहाँ पर समाप्ति की घोषणा करें। फिर भी हमारे एडवोकेट महेश शर्मा जो कि एक्स सीनियर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है वास्तेदार है
और वो हमारी इस टेक्निकल टीम में है। मैं उनसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या वाइंड अप की घोषणा हम करें। एडवोकेट महेश शर्मा जी, रेखा ठाकुर मैडम से एक बार अगर पूछ लें, क्योंकि शायद वो किसी और व्यक्ति को भी कनेक्टिविटी के लिए ट्राई कर रही होंगी, तो अगर जो है कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो आज इंटरनेट के इस कंसर्न में हम अच्छे से इस शो को चला रखा है हमने। तकरीबन 4 घंटे होने को आए हैं और ये शो निरंतर जारी है पप्पू कालानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो चलिए, मैंने टीम से जो है वो पूछ लिया है, उनके इंस्ट्रक्शंस की हम वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस टेक्निकल टीम में हमारे साथ मंच टीवी की डायरेक्टर रेखा ठाकुर मैडम और जयश्री मैडम, रविश वलेशा जी, एडवोकेट महेश शर्मा जी, इन्होंने अपने प्रयास दिए हैं आज इस शो को आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सुचारू रूप से और एग्जैक्टली जो है इतना टेक्निकल इशू होने के बाद भी। मैंने कहा कि नेटवर्क इशू कभी हमारे पास रहते हैं, कभी आपके पास रहते हैं, कभी स्ट्रीम में तो कभी बाहर हवाओं में भी जो इंटरनेट के, क्योंकि ये सब जो है हमारा आपके पास स्ट्रीम होना, ये सब बाहर की जो है कंजक्शन और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। तो चलिए, आज पप्पू कालानी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, मंच टीवी की ओर से आप सभी की ओर से शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम फिलहाल कॉमा में छोड़ते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप तो हम कभी किसी शो में देते ही नहीं है। निरंतर जारी रहेंगे मंच टीवी के यह कार्यक्रम, मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। और चलिए, जाते 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 चंदन दिलोगानी जुड़ गए। चंदन जी कैसे हैं आप, कैसे हैं आप चंदन जी? ओहो, कनेक्टिविटी जो है जुड़ जाती है फिर डिसकनेक्ट हो जाती है। चलिए, तो मैंने कहा कि मंच टीवी के इस कार्यक्रम में आप सभी को पप्पू कालानी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं लेता हूं आपसे बिल्कुल सहमति के फिर से आने के लिए। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, फिर से मतलब हमारे आने वाले मंच टीवी के कार्यक्रमों को जरूर देखिए, मंच टीवी को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और मंच टीवी के पेज को फॉलो करें फेसबुक पर। तो इसी संदेश के साथ, इसी जानकारी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।